ओके okay. सो so, पहली बात गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग ही बोलना जब मिलो तब सवेरा और वैसे भी तुम खाना खा के आए हो ना तो आधे तो नींद में होंगे बोलो हाँ ना खाना वाना मिलता है यहां खाए कितने लोगों ने खाना नहीं खाया मिला ही नहीं सर बहुत बढ़िया अपन सी एम है खाना वाना सब मुह में आया है ठीक है मैं, मैंने भी प्रेशर के अंदर खाना खाया ही नहीं आज मेरे दिल के अंदर भी ऐसे धक 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 चल रही है ठीक है अभी इतने सारे बच्चों को पढ़ाना है तो थोड़ा फटनी चाहिए ना जिंदगी में अरे बोलो हाँ ना चल लेट्स गो सो गुड मॉर्निंग एवरी वन आवाज मुझे तुम्हारी बिल्कुल बंद नहीं आई एक बार जोर से गुड मॉर्निंग बोलो एक दो तीन हाँ शानदार ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मेरे बारे में फिर कुछ आपके बारे में फिर कुछ एग्जाम के बारे में फिर कुछ लॉ के बारे में ज्यादा आवाज हो गई अच्छी बात है सो गए नहीं आप डोंट वरी लेट्स गो <laughs> नहीं अभी थोड़ा सा चिल्ला के बोला डोंट वरी सो फिर पहले कुछ मेरे बारे में फिर कुछ आपके बारे में फिर कुछ एग्जाम के बारे में फिर कुछ लॉ के बारे में ठीक है चलो स्टार्ट करें बोलो ये सुनना कुछ ज्यादा ही आवाज हो गई क्या बहुत ज्यादा ही फीलिंग आ रही है, है? अब ठीक है ओके मतलब सच में आवाज ज्यादा आ रही है मेरे मजे ले रहे हो ने पहले दिन मिला इसको ना टॉर्चर ही करते हैं हेलो हेलो फाइन हेलो हेलो ठीक है अभी पक्का शोर लॉक कर दूं चल अभी तुमको प्रॉब्लम हो गई नहीं जिंदगी के अंदर आज अपन क्या आवाज आवाज खेलने वाले अब ठीक है आवाज नाउ क्लियर अः गलज गो जल्दी जल्दी अपनी अपनी पकड़ लो जगह अरे जगह बोल रहा हूँ यार नहीं तो वो तो सर सवेरे नौ बजे के बैच में ही पकड़ लीजिए अ लेट्स गो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हैप्पी टेडी डे टेडी डे है ना आज नहीं हम सीएम है हम तो जन्मजात सिंगल है, है? वेरी गुड सब पहले कुछ मेरे बारे में सबको प्रणाम मेरा नाम है दर्शन खरे मैंने जून सी कम्प्ली, ए कंप्लीट किया था जून 2009 में <laughs> जून नहीं कंप्लीट किया था और मैंने सीएस कंप्लीट किया था दिसंबर 2010 में और मैंने बीकॉम भी किया है थैंक oh! यू बहुत टफ गया था मेरे को बिना बुक के पढ़ना बहुत मुश्किल होता है ठीक है <laughs> फिर उसके बाद में मैंने जॉब करना चाहा एक डेढ़ साल तक मैंने जॉब किया स्टैटुटरी ऑडिट्स किए बड़े अच्छे कंपनी के स्टूटरी ऑडिट्स किए फिनोलैक्स सुना होगा आपने वो पाइप और केबल वाली कंपनी थर्मैक्स पाइसर वगैरह दो तीन नाम सुने होंगे तो दो तीन कंपनीज के अच्छे खासे लिस्टेड कंपनी के ऑडिट किए फिर जॉब करके मेरे को पता चला कि मेरे को जॉब नहीं करना है और टीचिंग का जो वाला अंदर कहीं उबल रहा था तो 2011 में फूट पड़ा और फिर मैं फुल टाइम टीचर बन गया 2011 से टेंटेटिवली मैं सीए फाइनल को पढ़ाना शुरू किया

तो सबसे पहले कुछ चीजें मैं क्लास के रूल्स के बारे में थोड़ा बहुत बोल दू। ठीक है कि अपनी क्लास किस तरीके से जानी चाहिए इतनी सारी भीड़ हाँ इकट्ठा भी हाँ तो भी जमा हुई है कभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुम मेरे को मारो तो मेरे को बचाना पड़ेगा ना खुद को तो क्लास के कुछ रूल्स पहला रूल क्लास हमारी दो बज के चालीस मिनट के ऊपर शुरू होगी शार्प ठीक है? थोड़ा मैंने दस मिनट का दिए उन्होंने खाना ही नहीं तो रखूंगा उसका टेंशन नहीं है डोंट वरी सो दो बज के चालीस मिनट पर शार्प क्लास शुरू होगी चार बज के बीस मिनट पर शार्प क्लास खत्म होगी ठीक है मतलब समझ जाना चार बज के भी आसपास थोड़ा सा थोड़ा उधर ही इधर तो नहीं है सो बट चार बजे के आसपास मैं तुमको टोटली फ्री कर दूंगा दैट इज अ प्रॉमिस जो मैं कभी निभाता हूं कभी नहीं निभाता ठीक है फिर उसके बाद में अगर आप लेट आ रहे हो क्लास में अगर आप लेट आ रहे हो और मेरी आवाज आपको बाहर आ रही है कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो दो मिनट के लिए बाहर रुकना क्योंकि मैं बहुत जोश में कुछ तो ही पढ़ाते रहता हूं ये ऐसा वैसा और जो आता है वो तो शाहरुख खान होता है ठीक है बोलो हाँ ना तो सब उसी को देखते हैं मेरे को तो भूल ही जाते हैं ऊपर से मैं कोट सूट कभी पहनता नहीं तो कोट सूट नहीं पहनू तो ऐसा मत समझना झंडू को बेच दिया पे ठीक है तो फॉर्मल पहन के मेरे मेरे से पढ़ाना होता नहीं मेरे को उसके लिए माफ करना ये इतना दिख रहा है ये बहुत है। मत बहुत मतलब? <laughs> सी पहनना है मतलब कि भाई मैंने जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट मत करना मैं कोट सूट में आपको पढ़ाऊंगा करके ठीक है मेरे से नहीं होता तो फिर जो आएगा वो दो मिनट बाहर रुकना मैं कॉल करूंगा जब मेरा कंसेप्ट खत्म होगा तो आप एंट्री ले सकते हो लड़का रहा तो ठीक लड़की रहा तो कंसेप्ट गायब हो जाता है पूरा ठीक है मतलब मैं इधर पढ़ा रहा हूं कि भाई शेयर इस तरीके से होते हैं ये उधर देख रहा है फिर ये बाद में पूछता है सर शेयर क्या होता है तो दिस शुड नॉट हैपन ठीक है तो दो मिनट बाहर खड़े रहो एंट्री जरूर मिलेगी उस छोटे से स्पैन में आपका कुछ मिस होता है तो आप मुझे बिल्कुल पर्सनली पूछ सकते हो जिसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा ठीक है यह चीज होने के बाद दूसरा और सबसे अहम रूल <coughs> आपके सेलफोन मैं बोलूंगा स्विच ऑफ करो तो तुम मुझे वही फेंक के मारोगे तो तुम तो करोगे नहीं ना स्विच ऑफ ऊपर से वैलेंटाइन डे आ रहा है तो सवाल ही पैदा नहीं होता ठीक है तो सेलफोन साइलेंट मोड पे होने चाहिए ठीक है अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई भी सेलफोन को नहीं छुएगा अगर मैं पढ़ाते वक्त किसी ने को या, कोई मुझे पे दिखा तो उसका 24 घंटे के लिए कॉन्फेकेट हो जाएगा उसके ऊपर चैटिंग भी मैं ही करूंगा <laughs> फिर यह मत बोलना सर मेरा अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था तुमने तो ब्रेकअप करवा दिया करके ठीक है तो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना वैसे मैं ऐसा करता नहीं हूं सेलफोन कॉन्फ्रेंस सर्किट जरूर होगा पर क्लास खत्म होते से ही वो आपको वापस मिल जाएगा ठीक है ये एक दो बार तीन बार हुआ तो ठीक है चौथे बार सेलफोन ओ पे भेज दूंगा <laughs> तो सवाल ही खत्म समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना नेक्स्ट चीज थे सब्जेक्ट है खाना खाने के बाद पढ़ रहे हैं मतलब नींद तो पक्की आने वाली है अभी कुछ लोगों को आ रही है पहला डेस्ट तो मेरे को अभी से सपनों में दिख रहा है इधर इधर भी ऐसे बैठने के पोजिशन होते हैं है सबसे पहले ऐसे स्ट्रेट बैठते है नहीं मैं बता रहा हूं तुमने बैठने की जरूरत नहीं है मैं सिर्फ बता रहा हूँ पहले ऐसे स्ट्रेट बैठते हैं फिर टीचर जोश जोश में शुरू करता है फिर ऐसे होते हैं फिर ऐसे होते हैं फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे। बराबर है फिर नीचे <laughs> हाँ है। तो भले ही ये थेरी सब्जेक्ट है बट आई विल रिक्वेस्ट यू डोंट टेक इट एज अ ये एंटर होने चाहिए मैं आपको सवाल पूछूंगा आपने मेरे को जवाब देने हैं ठीक है किसी भी सिचुएशन में कैसा भी ठीक है मैंने कैडबरी लाके रखी है जो अच्छा जवाब देगा उसको चॉकलेट मिलेगी मोटिवेशन ठीक है तो चॉकलेट मिलेगा अगर आप अच्छे जवाब दोगे तो कोई भी मेरे को गलत जवाब दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को लेकिन उसको कैडबरी नहीं मिलेगी डोंट वरी ठीक है जो सही देगा उसी को मिलेगी ठीक है तो मैंने तुमको पूछे गधे को पैर कितने भूल गए क्या जोर से बोलो गधे को पैर कितने तुमने साढ़े आठ भी बोले तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है हो सकता है उसने देखा हुआ हो

पूरी पूरी की पूरी राइटिंग प्रैक्टिस क्लास के अंदर होगी, इतना कि परेशान हो जाने चाहिए कि कि ये बंदा कहां से आया क्या लिख के आया है अपने स्पेसिफाइड राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस होते हैं पूरे के पूरे जिसके अंदर आपको क्लास के अंदर लिखाना सिखाया जाएगा भले ही आप फाउंडेशन से आए हो लेकिन दो पेपर में आप बिंदिया लगा के आए हो लगाई ना वहां पे काले कलर की हा है ना बक्कड़ अक्ड बी नब्बे पूरे हाँ है ना तो यहां पे हमें लॉ आपका फाउंडेशन में थेरी पेपर था बट फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे हिसाब से आपको कोई लॉ नहीं आता भले ही आपका रैंक हो या लॉ में आपको आउट ऑफ आउट मार्क हो ठीक है मैं इस लेवल से पढ़ाना शुरू करूंगा यह चीज को आपने याद रखना क्लियर है एकदम बेसिक से जाएंगे एकदम बेस तो जिसको लॉ में डर भी होगा फटी भी पड़ी होगी तो आपका अगर ये डर है मन में, में लॉ में बहुत टेंशन है तो ये मैं कर सकता हूं क्लास के एंडलीस्टर नहीं रहेगा जोर से बोलो न कुछ रूल्स जो एज ए होल अकेडमी मैं सेट करता हूं नॉर्मली तो उसमें से पहला है शाम को साढ़े चार बजे आपका क्लास खत्म होगा आधे घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा हम इसके ऊपर लास्ट टाइम भी इंप्लीमेंटेशन किए थे पांच से सात बजे आपका स्टडी सेशन इसी क्लास में होगा जिसके अंदर इसी क्लास में बैठ के दिन भर का रिविजन और होमवर्क आपको यही करना है ठीक है पांच से सात बजे के बीच में इसके लिए आपके फोन के ऊपर हम एक व्हाट्सएप की लिंक शेयर करेंगे ये लिंक आपने आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करनी है और आपके सभी पेरेंट्स एक जगह पे एक व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे डेली स्टडी सेशन का एक वीडियो कोई फैकल्टी आके यहां पे निकालेगा जो मैक्सिमम मैं ही करता हूं और वो आपके पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाला जाएगा जिससे आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे कि याद रखना क्लियर है तो पेरेंट्स को पता रहना चाहिए फिर टेस्ट वगैरह के मार्क आते हैं वो भी वहां शेयर होंगे सर ये ना तुम राक्षस बन रहे हो धीरे धीरे बोलो हाँ है ना पता होना चाहिए वैसे भी मैंने तुमको ऐसे पकड़ पकड़ के इंटर में लाया था क्या खुद का ही डिसीजन है ना मिलके करते बोलो हाँ है ना मैं झंझोर सब -सब हाँ ना जोर से बोलो ना वेरी गुड सो इतनी चीजें याद रखना इन रूल्स को याद रखना इसके हिसाब से क्लास अपना अच्छे से चलता रहेगा एक सबसे ज्यादा सीवियर रूल कितना भी इमरजेंसी हो कितना भी खराब सिचुएशन हो कुछ भी हो क्लास में कॉल कोई नहीं उठाएगा ना मैं ना आप जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट या जैसे स्टूडेंट वैसा टीचर ठीक है ना मैं कॉल उठाऊंगा ना आप कॉल उठाओगे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई टेंशन है कि भाई लेक्चर नहीं चल रहा सिस्टम नहीं चल रही प्रोजेक्टर है या माइक ही काम नहीं कर रहा या तुम मुझे मार रहे हो तो सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी कंसेप्ट में आ रहा है सबको ना तो आपके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन तीन मिस कॉल कंपल्सरी ठीक है मेरे को दिखाना ये तीन मिस कॉल घर वालों के नहीं तो मेरे को बाहर जाना है फोन करना मेरे फोन पे दो साइड में होता है करना प्लीज तीन ये नहीं चलेगा क्लियर है टीचर भी कभी स्टूडेंट था क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था बोलो हा ना तो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना ठीक है इन्हीं रूल्स के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं आवाज थोड़ी सी ज्यादा आ रही है वेरी गुड ठीक है आज आपकी जगह वगैरह फिक्स नहीं है लेकिन कल से थोड़ा सा एक ही जगह पे सेट होने की कोशिश करना ठीक है कि आपको हर जगह से अच्छा सा व्यू आता रहे ठीक है वैसे प्रोजेक्ट <coughs> चारों इसके ऊपर दिख रहा हूं मैं मतलब खाने में कुछ मिलाया था क्या <laughs> चलो स्टार्ट करें बोलो सर न आज एकदम बेसिक सेशन एकदम बेसिक मतलब एकदम बेसिक मतलब आज तुम ऐसे हो कि तुमने रजिस्टर भी नहीं लाया है कुछ लोग तो बिना बैग के ही आए हैं कहा है, क्लास समझ में आया अच्छा उसके ऊपर से एक चीज याद है। जब मैं जोर जोर से पढ़ा रहा हूं और आपको भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है छोटी सी लघु शंका या दीर्घ शंका तो पढ़ाते वक्त कंट्रोल करना थोड़ा सा ठीक है नहीं तो मैं पढ़ाता हूँ दूसरा डोंट डू लाइक दिस ठीक है जब मेरा कंसेप्ट खत्म होगा तब आप जो भी आपको एक्टिंग करनी है जो भी आपको काम करना है कर सकते हो ठीक so, है चलो गो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले लेक्चर के साथ में और हम है लॉ के लेक्चर में तो सबसे पहले आज हम सिर्फ एक ही चीज सीखेंगे और वो ये है कि भैया व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ लेकिन उसके भी पहले मोर देन इंपॉर्टेंट थिंग और वो ये है कि तुम्हारा सिलेबस क्या है ठीक है तुम सीए इंटर न्यू सिलेबस में हो इसके पहले इसका नाम क्या था पता है सबको सी ए आई पी सी सी yes no? तो अभी हो गया है सी ए इंटर इंटर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है जोर से बोलो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है दो कॉर्पोरेट एंड कौन सा लॉस ये पता है सब हाँ है सबको ना कॉर्पोरेट लॉ को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूं अच्छे से ध्यान देते रहना कंपनी लॉ और दूसरा पार्ट है दैट इज अदर लॉस कंपनी लॉ अगर आप देखो सब्जन बहुत अच्छे से ध्यान दो तो कितने मार्क्स के लिए कंपनी लॉ आता है एक सिक्सटी मार्क्स अगर आप अदर लॉ बोलो तो कितने मार्क्स के लिए आएगा फोर्टी मार्क्स अब कंपनी लॉ में जो आपको मेन एक्ट आने वाला है उसका नाम है कंपनीज एक्ट कितने लोग सीपीटी से बिलोंग करते हैं रेज योर हैंड्स प्लीज ओके सब फाउंडेशन है प्योरली आप अकेले सीपीटी से ओके okay, सो so सब फाउंडेशन से है सो आई गए आप कंपनीज एक्ट के साथ थोड़ा सा लिटिल लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ बड़े शौकीन दिख रहे हो सो लिटिल लिटिल थोड़ा सा पता होगा कंपनीज एक्ट के बारे में बोलो हाँ ना सो कंपनीज एक्ट 2013 आपको अपलीकेबल है जिसमें आपने कंपनी का डेफिनेशन देखा होगा जो कतई सस्ते नशे वाला डेफिनेशन था कंपनी मीन्स a... याद आया कुछ हाँ है ना। <laughs> सस्ते नशे नहीं तो और क्या है तुम डिफाइन कर रहे हो कंपनी को और बोलते क्या हो कंपनी मीन्स a... तो अपने को ऐसी चीजें झेलनी है ठीक है मिल बांट के झेलेंगे अपन ठीक है सो कंपनीज एक्ट दो हजार का बोले तेरा क्लियर आंसर कंपनीज एक्ट दो हजार तेरह के अंदर धर्म संकट वाला सवाल है टोटल कितने सेक्शन है लगाओ बोली 470 सेवेंटी कितने कितने तूने कंपनी जैक पढ़ा ना आगे जिन्होंने भी 470 बोला शानदार तूफान जबरदस्त जिंदाबाद टोटल कंपनी के अंदर सेक्शंस कितने हैं 470 सेवेंटी उसमें से 148 फोर्टी एट सेक्शन हमको सीए इंटर पे है तो सर बचे हुए 320 सौ बीस फाइनल लेवल पे क्लियर है आंसर सबको सब हाँ है ना? जोर से बोलो नौ फिलहाल सिर्फ एक मेरे तरफ से मैं एक प्रॉमिस कर सकता हूं पूरे 148 सेक्शन एंड में तुम्हारे टंग पे रहेंगे जब हमारा कंपनी जैक्ट फिनिश होगा कैसे क्या सर ये हो नहीं सकता मैं देखूंगा टीचर मैं हूं ना ठीक है तो याद रखना सेक्शन 148 हमको पूरे के पूरे याद कर रहे हैं अदर लॉज में अगर हम जाए तो टोटल 40 मार्क्स के लिए हमको सिलेबस है जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपको इंडियन हाँ। सर क्या मजाक कर रहे हो सर सच्ची मतलब सर यही वाला पक्का वो तो बेटा तुमको सीए इंटर पे 80 परसेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट था बचा हुआ 20 परसेंट सॉरी सीए सीपीटी में फाउंडेशन में 80% था बचा हुआ 20% आपको सीए इंटर पे आता है आपने एजेंसी बेलमेंट प्लेज गारंटी ये वाले कॉन्ट्रैक्ट वहां नहीं पढ़े सिर्फ सुने हैं वो एक्चुअली यहां पे आते हैं क्लियर है कांसेप्ट ऐसा इंस्टीट्यूट ने क्यों किया ये उन्हीं को मालूम ठीक है दूसरा लॉNegotiable Instrument Act 1881 Bill of Exchange Account Debit to तो अकाउंटिंग किया है ना इसका भूल गए क्या बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिट टू पर्सन क्रेडिट फिर जब पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट क्रेडिट कुछ याद आया तो वो जो तुमने अकाउंटिंग किया था उसका लॉ हम यहां पे पढ़ेंगे क्लियर है तीसरा वाला लॉ है द जनरल क्लॉजेस एक्ट कतई घटिया लॉ है इसके अंदर टाइम डेट डिस्टेंस जेंडर ऐसी चीजों को डिफाइन किया गया है Concept समझ में आ रहा है जेंडर so, <laughs> <laughs> मेरी गलती नहीं है डोंट वरी लास्ट लॉ नहीं है बट कंसेप्ट काफी काम सोगा का मतलब था क्या अच्छा थर्टी so, और उसके बाद में कौन सा पार्टनरशिप एक्ट कौन सा बोले टू ये तीन लॉ पढ़ाए फिर पढ़ाया फिर यल यल। पी पढाया और फिर वो तुमको इंटर पे क्या पढ़ा रहे है? कि लॉ कैसे पढ़ना है इंस्टीट्यूट में भी नशे होते हैं समझ में आ रहा है अब ये टॉपिक ना तुमने फाउंडेशन में डालना चाहिए कि भाई लॉ कैसे पढ़ते है? फिर पढ़ाओ ना बचा हुआ नहीं नहीं फिर वो कौन से काम के इंस्टीट्यूट फिर प्रोटेस्ट कैसे होंगे जिंदगी के अंदर समझ में आ रहा है सबको हाँ तो ये है आपका सिलेबस सीए इंटर लॉ का समझ में आ रहा है सबको हा है ना सर इसमें से सर सबसे काम का सवाल सर हा बेटा सर इसमें से ऑप्शन में क्या छोड़ सकते पूरा का पूरा सोमा क्या पढ़ना है कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है जब हम 100 परसेंट सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो जो क्वेश्चन पेपर में जो अजीब क्वेश्चन आते हैं वो ऑटोमेटिकली कुछ टॉपिक ऑप्शन में कर देंगे अगर तुम पूरा प्रिपेयर करके जाओगे तो भी दो क्वेश्चन ऐसे रहने वाले जो आपको समझ में ही नहीं आएंगे या फिर तुम ट्रॉमा में होंगे तो समझ में नहीं आएंगे इसलिए सौ मार्क पूरा प्रिपेयर करके जाना यह सोच के कि दो क्वेश्चन मेरे को नहीं आने वाले क्योंकि ये सीए इंटर है ना यहाँ पे बिंदिया लगाने का काम है मतलब लगा सकते हैं तीस मार्क की बिंदिया यहाँ पे भी है ठीक है हुआ सत्तर मार्क हमको पूरा है जिसको हमको अच्छे तरीके से लिखना है कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है सबको हाँ ना जोर से बोलो ये ना पहली चीज मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो अगर आपने कोई रजिस्टर वगैरह लाया है तो खुद का या किसी और का या उधार पेपर तो लेने की आपने को आदत है प्रैक्टिस की है इसकी तो देना दो पेज देना रजिस्टर वगैरह लाया आज कुछ समोरचा एसी ऑन नाही आहे का आवाजामुळे बंद केला Done everybody? Okay, let's go. <coughs> लिख लिया है बच्चों okay, अब स्टार्टिंग में हम किस तरीके से मूव करने वाले है? ये भी बोल दूं स्टार्टिंग में कंपनी लॉ के पहले सात चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे टोटल दस चैप्टर्स आपको 148 में है कितने बोले एक बार दस दस चैप्टर में से सात चैप्टर हम अभी कंप्लीट करेंगे स्टार्टिंग में फिर हम अदर लॉस के ऊपर शिफ्ट होंगे जिसमें हम चार चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर जो निगलिजिबल तीन चैप्टर से वो हम सबसे एंड में लेंगे क्लियर है इससे मेन मेन पोर्शन आपका पूरा का पूरा पहले हो जाएगा और जो सबॉर्डिनेट पोर्शन है वो सबसे एंड में होगा क्लियर है सब सबको हाँ है ना ये चीज होने के बाद में अब मैं जा रहा हूं कंटेंट के ऊपर स्टार्ट करते विद द हिस्ट्री सबसे पहले हम लॉ की क्लास में तो पहला ये समझना जरूरी है कि लॉ की शुरुआत कहां से हुई थी पूरे दुनिया में अगर मैं बोलूं तो लॉ की शुरुआत ये इजिप्तियन संस्कृति में हुई थी इजिप्ट पता है ना जहां लोग पिरामिड बांधते थे बोलो हा है ना सो so इजिप्ट संस्कृति में लॉ की शुरुआत हुई थी और उन लोगों ने लॉ को डिकोड करना शुरू किया था लेकिन धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलता गया पूरी दुनिया में फैलता गया और सभी कंट्रीज ने खुद के स्पेसिफिक लॉ बनाना शुरू किए जैसे शायद अगर आपको नहीं पता तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर 444 फोर्टी फोर आर्टिकल्स है आर्टिकल्स मतलब क्लॉजेस और 444 फोर्टी फोर क्लॉजेस में भी सब क्लॉजेस अलग सो so, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है अब आपने फाउंडेशन में पढ़ा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं नहीं सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईयर कौन सा है 19 बोलना मत मैं इधर ही जान ले लूंगा एक देखिए ठीक है सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईयर कौन सा है 1872. Sale of Goods Act, 1913. 1913. और फिर Partnership Act, 1932. फिर Companies Act, 2013. LLP, 2008. याद है सबको? ये सब पढ़ने के बाद मेरा एक ही सवाल है. What do you mean by law? शुरू हो जाओ. कैडबरी कमानी है तो किसको पता है सर खाना खा क्या है नहीं चाहिए कैडबरी ओके व्हाट इज लॉ एनी वन रेज योर हैंड मैंने बोला डिस्कशन ओके सेट ऑफ रेगुलेशन टू गवर्न बॉडी बराबर है कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है इतना इंग्लिश बापरे हाँ लॉज लॉ इज बेसिकली सिस्टमेटिक रूल्स विच गिव्स करेक्ट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बराबर है बोलो हाँ है ना सुना है सबने वेरी गुड कैच करोगे दूसरा मार लेगा याद रखना ईमानदार आदमी है तो ठीक <laughs> है सो लॉ इज सिस्टमेटिक रूल सेट ऑफ रेगुलेशन ठीक है और कोई हाँ ओके लॉ इज समथिंग विच टेल्स एज व्हाट इज राइट और रॉन्ग एंड टेल्स टू डू द राइट थिंग बराबर है गलत है बराबर है गलत है बराबर है ना गेस लॉ तुमको खून करने के लिए बोलता है क्या राइट थिंग करने के लिए बोलता है बड़ा पास करना ओके okay, और हा लॉ है मैं डिसीज पढ़ा रहा हूं ओके गुड तुमने मेरा डेमो लेक्चर देखा है? लगता हाँ वेरी गुड कैडबरी तुम्हें तो पास करोगे ना पक्का हाँ और कोई इधर लड़कियों ने सत्याग्रह कर लिया है क्या नहीं चाहिए सर आवी चॉकलेट भी बहुत मिली थी सर हमको <laughs> okay, बोलो हाँ रॉ हेल्प कंट्रोलिंग द स्टेट और जोग्राफी और पब्लिक ऑल्सो आई कैन से बोलो हाँ ना ओके okay, चलो अब मैं थैंक यू थोड़ा सा रिडिफाइन क्या हुआ हाय अपनी सबकी एक क्लास है ओके लेट्स गो सो मैं थोड़ा सा मेरा सवाल चेंज करता हूं मेरे को मेरे सवाल का जवाब चाहिए ठीक है मैं जो आपसे पूछा तो इन्होंने बोला लॉ इज रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बोला लॉ इज थिंग टू तो डू अ राइट थिंग उन्होंने बोला करेक्ट प्रोसीजर्स क्या होना चाहिए उन्होंने बोला कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाया जाता है बोलो हाँ है ना उन्होंने हमारे डेमो लेक्चर से बोल दिया मैंने जो बोलना चाहिए था बोलो हा है ना मैं आपसे यह पूछ रहा हूं लॉ क्यों मैं आपसे डिसीज पूछ रहा हूं कि क्या डिसीज है जिसकी वजह से लॉ बनाया गया मैं तुम्हें मैं टीचर हूं ना <laughs> <laughs> मैं तुम्हें यह नहीं पूछ रहा ट्रीटमेंट क्या है सिम्टम क्या है आई एम नॉट आस्किंग यू ट्रीटमेंट आई एम नॉट आस्किंग यू सिम्टम आई एम आस्किंग यू वॉट इज अ डिसीज अब इन्होंने जैसे बोला इज रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन या डिसीजर ट्रीटमेंट है, है सब बोलेंगे सब बोलेंगे डिसीज है ट्रीटमेंट है, है. उधर अंदमान निकोबार <laughs> सब बोलेंगे डिसीजर ट्रीटमेंट है, है? <laughs> उन्होंने बोला करेक्ट चीज करनी चाहिए डिसीजर ट्रीटमेंट है इन्होंने बोला पब्लिक को कंट्रोल करना चाहिए डिसीज है ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट है. है बोलो हा है ना हाँ। मैं पूछ रहा हूं डिसीज क्या है क्यों लॉ भाई लो, क्यों लॉ बनाया गया क्यों हमें टॉर्चर किया गया एक सब्जेक्ट बढ़ा के पब्लिक कुछ भी कर सकती है पब्लिक पागल है सोनम गुप्ता बेवफा है अरे बोलो ना आगे चलो मैं बताता हूं ठीक है एग्जांपल स्टोन एज में हम रहते थे स्टोन एज पता है पत्थरों का जमाना वो बोलते हैं लकड़ी पे लकड़ी घिस के आग लगती है आजकल तो आग कैसे भी लगती है <laughs> अरे मैं बोल रहा था लकड़ी पे लकड़ी घिल के आग लगती है ठीक है so, सो अगर लकड़ी पे लकड़ी घिस घिस अगर हमने आग लगाई थी उस वक्त हमारे पास कोई व्हीकल नहीं थे स्टोन एज में हम भागते थे दौड़ते थे चलते थे ठीक है आप सोचो मिलियंस ऑफ इयर्स से हम चल रहे हैं और आज तक के चलने के ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया गया मिलियन ईयर से चल रहे हैं आज तक चलने के ऊपर कोई लॉ नहीं है ऐसा कोई लॉ नहीं है कि घर से बाहर निकलते हो राइट पैर ही बाहर डालना चाहिए बाथरूम में जाते हो लेफ्ट पैर पैर <laughs> बोलो हा रोज डे में रोज लेफ्ट हैंड से ही देना चाहिए टेडी डे में ऐसा कोई लॉ है क्या मतलब इतने दिनों से चल रहे देर इज नो लॉ सवेरे उठ के ब्रश करते कोई लॉ है कि नहीं करते हो ऐसा ही करना चाहिए या ऐसा 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 करना चाहिए या पहले इधर का ही करना है फिर उधर का करना है नहीं किया तो पुलिस पकड़ के लेके चल जाएगी कितनी दिन भर की चीजें हैं जिसके लिए कोई लॉ नहीं है चलने के लिए नो लॉ ब्रश के लिए नो लॉ नहाने के लिए ये सवेरे सात बजे की क्लास में तुमको समझेगा नो लॉ और भी है जो बोल नहीं सकते सो so, इन सब चीजों के लिए यह पूरे देश में कोई भी लॉ नहीं है बराबर है फिर इंसान ने चलने से थोड़ा सा संन्यास लिया क्योंकि गाड़ियों का इन्वेंशन किया बोलो हाँ है ना जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो दुनिया भी गोल घूमने लग गई व्हील का इन्वेंशन हुआ लोगों ने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया और आदमी तो गाड़ी कैसे भी चलाता है पूना में एक रोड फेमस है जो बाहर है उनके लिए एफ रोड वो एक रोड नहीं रहता हर सिटी में हरियाली वाला अरे होता है ना हर सिटी में एक हरियाली वाला रोड जहां विटामिन ए कैच करने के लिए तुम जाते हो विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है मैंने सुना है हाँ ना अरे बोलो हाँ या ना तो पुना में एक ऐसा रोड है एफसी रोड ठीक है जहां पे आप गाड़ी चलाओ तो आदमी आगे नहीं देखता समझ में आ रहा है तो तुम समय एफसी रोड से गाड़ी चला रहे हो और तुमको नजारा दिख गया दीदी ने बच्चे के साथ शादी कर ली गो मत करो ठीक है सो so, तुमको क्या दिख गया नजारा तुम डाइवर्ट ठोके गाड़ी चलाते चलाते तुमको और नजारा दिखा आलिया, है हाँ ना? तुमको क्या नजारा दिखा <laughs> बोलो हा है ना एक मिनट इतना गौर से देखने की जरूरत नहीं है अब एफसी रोड पे अगर तुम ऐसे गाड़ी चलाओगे तो जब पक्का ठोकोगे गाड़ी अरे गा अरे गाड़ी ठोकोगे नहीं ठोकोगे बोलो हाँ या ना या तो फिर होगा तुम्हारा ट्रैफिक जाम अरे बोलो और नो लोग उसको बहुत दिल खोल के देख रहे हैं उनके लिए समझ में मतलब थोड़ा कंसेप्ट आना जरूरी है ना तुम और कुछ इमेजिनेशन में और मेमोरीज में लग गए तो समझ में आ रहा है सबको है हाँ ना सो तुमने गाड़ी ठोक दी तुमने ट्रैफिक जाम कर दिया गाड़ी ठोकने से क्या होता है इंसान आईसीयू में एडमिट होता है बोलो हाँ या ना ट्रैफिक जाम होने से क्या होता है समय बर्बाद होता है जब लोगों को पता चला गाड़ी चलाने के इतने डिसएडवांटेज है तो इंडिया में नया लॉ लाया गया इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 181988 1988 आप गाड़ी चलाते हो लाइसेंस के साथ चलाते हो बिना लाइसेंस के चलाते हो तो वो दो तरीके होते हैं ना गाड़ी चलाने के एक विद लाइसेंस विदाउट लाइसेंस विदाउट मस्त, so, जब तुम गाड़ी चलाते हो, तो हो बोलते -बोलते बोलते ट्रैफिक कंट्रोल लॉ देर इज नो लॉ कॉल ट्रैफिक कंट्रोल लॉ ओनली वन लॉ इज देर दिस लॉ क्लियर है इसी लॉ के अंदर सभी रोड साइंस बनाए जाते हैं सभी रोड साइन लेफ्ट टर्न करो राइट right टर्न करो सीधे जाओ उल्टा जाओ सॉरी सो so, इसी लॉ के अंदर सब रोड साइन से आपके ट्रैफिक सिग्नल भी इसी लॉ के अंदर डिफाइंड है हालांकि हमारे यहां ट्रैफिक सिग्नल के मीनिंग अलग होते हैं ग्रीन मतलब गो ऑरेंज मतलब लेट्स गो फास्ट एंड रेड मतलब इफ देर इज नो मामूल लेट्स गो <laughs> बोलो आया ना सो so ये सभी चीजें ट्रैफिक कंट्रोल लॉ जो है हमारा दैट इज इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में डिफाइन की है ओवरऑल इस सिचुएशन में से मैं बोलना क्या चाहता हूं डैमेज लोग अपने हिसाब से काम करना शुरू करते हैं तो एक का काम किसी दूसरे को डैमेज कर सकता है इंडिया का कंट्रोल छोड़ो। सबने के बाहर फेंक दिए रख दिए ठीक है और फिर बचपन में वो स्कूटी आती थी याद है? अरे याद है नहीं है बचपन में वो स्कूटी आती थी मैंने तुम सबके हाथ में स्कूटी दे दी और मैंने तुमको बोला चलाओ यहां पर पक्का हाँ है ना फिर मैंने देखा कि यहां ट्रैफिक जाम हो रहे यहां एक्सीडेंट हो रहे हैं कोई जबरदस्ती गिर रहा है कोई जबरदस्ती इधर उधर गिर रहा है <laughs> बोलो हाँ है ना फिर मैंने क्या बोला ऐसी हरकतें ना हो तो सब लोग लेफ्ट साइड से चलाएंगे ठीक है जिसको गाड़ी रोकनी हो बीच में आके गाड़ी रोके रेगुलेट हो जाएगा इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट यही है सिर्फ बड़ी मात्रा में ठीक है हमारे वन वे टू वे वन वे में भी टू वे बोलो आया ना ये सब कहा डिफाइंड है इंडियन मोटर वेहीकल एक्ट सो पहली चीज बेटा सब जन मेरे साथ ये सेंटेंस पढ़ेंगे सब जन मतलब सब जन एवरीबडी रेडी टुगेदर पूरा कोऑपरेशन सिंक्रोनाइजेशन रिदम में एक बार टेस्ट कर लेते हैं ए फॉर बी फॉर चल रहा है मतलब वेरी गुड लेट्स गो द लॉ इज नॉट से सेन टू थ्री बोलो क्या है

लॉ डिमांड करता है बोले एक बार सिचुएशन तो लॉ सिचुएशन बेस्ड होता है सिचुएशन है तो लॉ है सर कैसे प्रूव करोगे स्टार्ट ठीक है एक छोटा सा वीडियो है अच्छा वाला ठीक है ये देखते हैं हम इसके ऊपर से कुछ आपने अगर सुना होगा तो आपको लॉ समझ में आएगा भोपाल गैस सुना है भोपाल गैस स्ट्रेजेडी बोलो हा है ना इतना तो सुना है एटलीस्ट चलो सी आवाज थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा जस्ट होल्ड एकदम से जोर से आवाज आ सकती है सबको दिख रहा है दिस क्लियर बोलो ना आज से ठीक 32 साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिक आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना हुई थी इस औद्योगिक आतंकवाद में ना तो हथियार चले थे और न ही किसी का खून बहा था लेकिन फिर भी भोपाल की सड़कों पर लाशों के ढेर बिछ गए थे अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का कारखाना उस रात एक मर्डर करने वाली मशीन में बदल गया था आज यूनियन कार्बाइड का वीरान कारखाना औद्योगिक आतंकवाद का सबसे बड़ा सबूत बनकर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का मजाक उड़ा रहा है हजारों लोगों का कातिल यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरन एंडरसन भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों की मदद से लचर कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर पहले भोपाल भोपाल से 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 भागा, गया, गया, फिर भारत से और आखिर में वो दुनिया से भी चला गया, लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए और हम हमारा कानून और हमारे राजनेता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए उस रात भोपाल की हवा में घुला जहर अब उतना खतरनाक नहीं है लेकिन बत्तीस साल बाद भोपाल की चौथी पीढ़ी भी इस औद्योगिक आतंकवाद के नतीजे भुगत रही है भोपाल गैस त्रासदी को औद्योगिक जगत का हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम कांड भी कहा जाता है लेकिन हम जोर देकर ये कहना चाहते हैं कि ये घटना त्रासदी हादसा या फिर लापरवाही नहीं थी बल्कि ये सीधे सीधे औद्योगिक आतंकवाद था दो दिसंबर उन्नीस की रात भोपाल के आसमान में छाई मिथाइल आइसोसाइनेट ने 5000 हजार लोगों का दम उसी पल घुट दिया था जो बच गए वो आंखों में जलन और सीने में घुटन लिए बदहवास दौड़ रहे थे भोपाल के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो सरकारी मशीनरी कई राजनेता और अफसर इस औद्योगिक आतंकवाद के गुनहगार यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को कानूनी चंगुल से बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहे थे एक दिन के लिए हिरासत में रहने के बाद एंडरसन को जमानत मिल गई और वो दिल्ली और मुंबई होते हुए हमेशा के लिए अमेरिका में सुकून भरी जिंदगी बिताने के इरादे से उड़ गया यह ट्रेंड मतलब बहुत पहले से चलते आ रहा है, 1983 का केस है। जब पहली बार किसी ने इंडिया में कांड करके देश से भाग गया फिर लोगों ने उसका आइडियल बना लिया अभी तो कितने लोग भाग रहे हैं अभी तो ट्रेंड बन गया है ना आपको पता है इसका पीएनबी का कांड हुआ था पंजाब नेशनल बैंक कौन था नीरव मोदी कितने हजार करोड़ ग्यारह हजार करोड़ का कांड ठीक है किया देश से भाग गया आपको पता है वो पंजाब नेशनल बैंक के कांड के वक्त एक छोटा सा बैंक का, का कांड हुआ था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में हार्डली दो सौ सौ करोड़ का उसको मीडिया कवरेज भी नहीं मिला मतलब आजकल कांड करने की बेसिक वैल्यू दस हजार करोड़ से ऊपर होनी चाहिए <laughs> सच्ची में मतलब वो नीरव मोदी के चंगुल में सब फंस गए सब मीडिया उसको कवर कर रहा था एक जन न्यूज लेकर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में भी हुआ है बोले कितने का दो 300 सौ करोड़ हट तुच्छ समझ में आ रहा है सबको और इन सब कांडो का मुखिया कौन था एंडरसन ठीक है और सबसे बड़ा देवता सभी कांडों का आदरणीय परम पूजनीय घोटाला केसरी स्वर्गवासी हर्षद मेहता सुना है कभी हाँ है ना तो एक दो केसेस अपन देखेंगे फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं अब आपने देखना नियरली मैं ये बोलता हूं उस रात भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर 2800 लोग रातों रात गे, मर गए उसी रात को मर गए वहां से लेकर आज के दिन तक के 8000 से साढ़े आठ हजार लोग मर गए 40000 से 50000 लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए और नियरली डेढ़ दो लाख लोग टेम्परली डिसेबल हुए हालांकि इससे अफेक्टेड लोगों की पॉपुलेशन पांच लाख के करीब है इन सब को, इन सबको सबको भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए स्पेसिफिकली कंपेंसेशन अलॉट किया जाने वाला था और आपको पता है दो तीन दिसंबर को हादसा हुआ नाइनटीन एटी में इसके ऊपर जो लॉ था ना वो 85 में बनाया गया सिचुएशन फर्स्ट लॉ बाद में समझ में समझ आ रहा है सब हाँ है सबको ना देखो आगे पीछे छूट गया तो लोकतंत्र का वो चेहरा जिस पर भ्रष्टाचार की मिट्टी पड़ी थी 25,000 लोगों को मौत के मुंह में पहुंचाने वाले वारेन एंडरसन का इतनी आसानी से देश से निकल जाना हमारे देश के सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा था और औद्योगिक आतंकवाद के सामने हमारी सबसे बड़ी हार भोपाल उस रात के बाद हमेशा के लिए बदल गया अड़सठ एकड़ में फैला यूनियन कार्बाइड का वो कारखाना आज भी 20 मीट्रिक टन जहरीला रसायन समेटे नाउ इफ यू कैन इमेजिन 20 मीट्रिक टन मिथिलास के अंदर एक निडल डुबा के अगर तुमको ऐसा कर दिया जाए तो इन वन मिनट यू कल्टी समझ में आया ऐसा 20 मीट्रिक टन का पूरा कार्बाइड का का कंटेनर जमीन के अंदर स्टोरेज एरियाज में दफन है अब वो धीरे धीरे लीक हो रहा है भोपाल में और उसका पूरा का पूरा, पूरा कंटेंट वाटर बॉडीज जो होते हैं अंडरग्राउंड वाले उसके अंदर मिक्स हो रहा है सो नाउ इट इज परमानेंटली डैमेजिंग सिचुएशन ठीक है आगे ये केमिकल जमीन के रास्ते लोगों के पीने के पानी तक पहुंच रहा है और भोपाल के लोगों को जहर की धीमी खुराक दे रहा है हादसे के बाद लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान सरकार और डाओ केमिकल में बदल चुकी यूनियन कार्बाइड के बीच 715 करोड़ रुपए के मुआवजे का समझौता हुआ यानी हर पीड़ित के हिस्से में करीब 500 सौ डॉलर तीस हजार रुपए आए इस हादसे की वजह से करीब दो लाख बच्चे विकृतियों के साथ पैदा हुए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंद्रह लोग मारे गए जबकि सरकार कुल पांच लाख चौहत्तर हजार लोगों को भोपाल गैस त्रासदी का पीड़ित मानती जिस वॉरेन एंडरसन को इन लोगों का गुनागार बताया जाता है उसने बानवे साल की उम्र तक शानो शौकत के साथ अपनी जिंदगी अमेरिका के कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे बसे शानदार घर में बिताई उसे न तो कभी कोई कानूनी नोटिस मिला न कभी वो भारत आया और न कभी उसे भारत लाने की ईमानदार कोशिशें हुई इसी के साथ आतंकवाद से लड़ते रहने वाला हिंदुस्तान औद्योगिक आतंकवाद के खिलाफ अपनी पहली और सबसे बड़ी लड़ाई हार गया सितंबर 2014 में एंडरसन मर गया और उसकी मौत भी उस बेजान सिस्टम को झकझोर नहीं सकी जिसमें जान फूकने की कोशिश करते करते पच्चीस हजार अपनी जान दे चुके हैं समझ में अब देखना जब हमने ये सिचुएशन झेला था इंडिया में द डे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था आपको यकीन नहीं होगा पर इंडिया में उस वक्त इस ट्रेजेडी से निपटने वाला कोई लॉ ही नहीं था नो लॉ एनी ऑफ सच अ पर्सन ऐसा कोई लॉ नहीं था क्योंकि इतना बड़ा सिचुएशन इंडिया में देखा ही नहीं गया था कि तीन चार हजार लोग मर गए एक साथ ड्यू टू दिस इंडिया को नया लॉ बनाना पड़ा एंड दैट इज लॉ का नाम आपने देखना ऐसा भी नहीं प्रिवेंटिव लॉ है कॉन्सिक्वेंशियल लॉ है भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट

तो हर लॉ ये सिचुएशन बेस्ड होता है कैसा होता है बोले उसे सिचुएशन बेस्ड और भी अगर मैं इसका एग्जाम्पल बोलू तो डाउरी डाउरी सुना है ना, ना। होंडा बारातियों का स्वागत तो पान परक से ही होना चाहिए अरे बोलो सर सो so, डाउरी मुझे एक बार बताओ डाउरी अभी अभी आया है बहुत पहले से था बहुत पहले से डाउरी सिस्टम था मतलब ऐसा तो नहीं है कि अभी, अभी अभी आया करके बट फिर भी उसका ईयर देखना का क्या है बोले एक बार 1961 चाइल्ड मैरिज और डाउरी इन चीजों की वजह से पहले स्त्री भ्रूण हत्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में अभी, अभी काफी मेंटल डाउन हो रही है वाला ना इसको टेल किया गया था इसमें भी ह्यूमन राइट्स वाले आए थे कि नहीं नहीं इसको फांसी पे नहीं चढ़ाना चाहिए मेरे तो इच्छा हो गई थी उनको भी चढ़ा दो साथ में बोलो सो बेसिकली कसाब और दूसरा वाला इसके ऊपर तो पिक्चर भी बनी है हाँ है ना मेरे को ऐसे एक सवाल का अभी भी जवाब नहीं मिला पूछो क्या? क्या अरे जोर से पूछो क्या सेल्फ डिफेंस के लिए रिवॉल्वर वगैरह नहीं मिलती क्या लाइसेंस वाली जब आप सेलिब्रिटी वगैरह हो उन्होंने क्या कंटेंशन दिया सेल्फ डिफेंस के लिए फिफ्टी सिक्स रखिए कल सेल्फ एर... डिफेंस के लिए फोर्टी सेवन चाहिए और एक न्यूक्लियर बॉम्ब मैं मेरे को चाहिए मेरे पाइजे मंजे चाहिए मंजे पाइजे क्या मैं रख सकता हूं बोलो हाँ है ना अरे बोलो हाँ है ना लड़कियों को तो और टेंशन है लड़किया बोल रहे हैं मेरे को पांच ग्रेनेड चाहिए किसी ने छेड़ा <laughs> बोलो हाँ है ना तो सेल्फ डिफेंस के लिए रिवॉल्वर मिलती है वो भी लाइसेंस रिवॉल्वर मिलते हैं दैट इज नॉट अ कंटेंशन एट ऑल टू बी कंटेंटेड ठीक है, है पिक्चर अलग बात है कंसप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना तो ऑल इन ऑल इन सब चीजों से मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं

1985 का टाडा हमारे पास जब था टेरिज्म के खिलाफ वाला उसके बाद भी 1993 बॉम्ब थ्री हुआ था 1993 बॉम्ब से लेकर हम 10 साल तक चिल्ला रहे थे का बदलो, का एक्ट एक्ट बदलो बदलो उन्होंने नहीं बदला और फिर 2001 में पार्लियामेंट में हमला हुआ वह ना याकूब मेनन टाइगर मेनन उसको फांसी पे क्यों चढ़ाया गया मेन प्लानर ऑफ द पार्लियामेंट अटैक है ना पार्लियामेंट पे अटैक हाँ हुआ तब जाके इन लोगों की फटी अरे ये तो यहां तक आ गए अभी नया लॉ बनाना बहुत जरूरी है और तब जाके 2001 का अटैक लॉ का ईयर देखो सिचुएशन डिमांड्स द लॉ जोर से बोलो क्या बोलना है सिचुएशन डिमांड्स द लॉ तो ऐसे कई एग्जाम्पल है हर एग्जाम्पल ऐसा ही है आप कंपनी एक्ट बोलो उसका भी हिस्ट्री देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेम हिस्ट्री हर लॉ का हिस्ट्री है हर लॉ सिचुएशन बेसिस है सिचुएशन है तो लॉ है सिचुएशन नहीं है तो लॉ कोई भी नहीं बनाएगा लोग पागल नहीं है टाइम पास करने के लिए के लिए लिए लॉ बनाने अगर सिचुएशन से डैमेज होगा तो लॉ बनाया जाएगा सिचुएशन में नहीं लिखा है तो लॉ बनाया नहीं जाएगा कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना जोर से बोले ना तो अभी आपको आपके रजिस्टर के अंदर लिखना है आ जाओ ये सेंटेंस ठीक है पहला सवाल तो ये लिखना वाई लॉ इज मेड वाई लॉ इज मेड गर्मी हो रही है आपको इधर गर्मी हो रही है ये ठंडी लग रही है अच्छा कंपनी hmm? एक्ट hmm. में है ना बताऊंगा डोंट वरी कंपनी एक्ट में आएगा मिसमैनेजमेंट का सीधा केस होता है कंपनी एक्ट में ऐसे केस में उस वक्त कंपनी एक्ट अलग तो था अभी अलग है ना उस वक्त 1956 वाला तो था, था। इधर ऐसी होने चलो सेंटेंस लिख लिया सबने डन ओके okay, इसके बाद ये सेंटेंस के बाद तुमको तो लॉ के सिर्फ नाम लिखने हैं जो हमें तीन लॉज दिखाए उनका सिर्फ नीचे नाम लिखने हैं एक के बाद एक दैट्स ऑल पहला ये भोपाल गैस डिजास्टर वाला नाम लिखना लिखा समने वाला ये लिखना डाउरी लिखलिया सबने एंड थर्ड वाला कौन सा था बताओ बच्चो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज़्म एक्ट पोटा चलो डन एवरीडी ओके सो एक बार मुझे वापस बोलो लॉ क्यों बनाया जाता है जोर से बोलो क्यों बनाया जाता है सिचुएशन डिमांड्स द लॉ तो डिसीज समझ में आया सबको ये की वजह से रूल्स एंड रेगुलेशन बराबर है ये यह पब्लिक का कंट्रोल एकदम बराबर है ठीक है ये होने के बाद अगला सवाल वॉट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके लिए लॉ बनाया जाता है जैसे अभी अभी हमने देखा सबसे पहला फैक्टर अगर आपको लोगों को क्या रखना है सेफ से सेफ रखना है डैमेजेस सेफ रखना है तो सबसे पहला फैक्टर जोर से बोलो कौन सा है और जोर से बोलो कौन सा है सेफ्टी फ्रॉम टेररिज्म सेफ्टी फ्रॉम बॉम्बलास्ट सेफ्टी फ्रॉम प्रॉब्लम ये सो नो सेफ्टी तो मिला पर दूसरी चीज आपको लॉ के साथ में मिलनी चाहिए वो है बेनिफिट आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट सवरे हुआ होगा ना हाँ ना इनकम टैक्स का पहला पोर्शन जब टैक्स जमा होता है तो बजट में से किया जाता है इंडियन डिफेंस को किसको डिफेंस, किसको किया जाता है इंडियन डिफेंस। जो किसके लिए किया जा रहा है मतलब दूसरी चीज क्या दी जा रही है बेनिफिट समझो एयरपोर्ट बस सर्विसेज नहीं होते और आपको ट्रेवल करना है आज के डेट में अगर अभी चाहो कि मेरे को अभी उठ के दिल्ली जाना है अभी उठ के मेरे को मुंबई जाना है यू कैन इजीली गो देर सो नो ओनली बिकॉज कि अभी लॉ आपको क्या दे रहा है एक बार उसे बेनिफिट पब्लिक का पैसा जमा करके पब्लिक के भले के लिए यूज किया जा रहा है और फिर थर्ड पार्ट आता है पहले तो वापस जोर से बोलना पहला कौन सा है और जोर से जो बोला कौन सा है दूसरा कौन सा है बेनिफिट तीसरा है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स वॉट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स आपको सेफ्टी मिले आपको बेनिफिट मिले लेकिन आपके कॉस्ट में मिले या किसी और के कॉस्ट में मिले

दोपहर का समय जर, जर, गया। अगर okay, अगर पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर कंसंट्रेट करना अभी अपन सीए कर रहे हैं अभी अपना एग्जाम कब है बोलो नवंबर ट्वेंटी एग्जाम अटेम्प्ट नहीं है एग्जाम है अपना ठीक है so, सो नवंबर ट्वेंटी में अपना एग्जाम है ये अपन पास हो जाएंगे फिर तीन साल में सीए फाइनल मतलब नवंबर दो मतलब जनवरी 2023 हजार जनवरी को तुम बन गए सीए क्या बन गए स्माइल दो सीए बना रहा हूँ जिंदगी के अंदर ऐसे कैसे चेहरे करके बैठे रहते हो सीए बन गए स्माइल दो अच्छी से बोलो ये तो तुम बन गए सीए आदमी सीए क्यों करता है उसका एक ख्वाब होता है कि सीए करने के बाद मैं बहुत पैसे कमाऊ मेरा एक छोटा सा बंगला हो <laughs> बोलो हा हाँ मेरी एक छोटी सी गाड़ी हो और मेरी एक सुंदर सी लड़कियों के लिए सुंदर सा हा ठीक है एक सुंदर सी बीवी हो यह सुनो सपना है नहीं है और... <laughs> बहुत जोर से है लगता। है नहीं है लगता नहीं सपना बोलो हा या ना इसी के लिए तो सीए कर रहे हो ना ये पांच साल की जवानी क्यों झंड किए जा रहे हो एक ही तो चीज है इंस्टीट्यूट का कॉन्फ्रेंस हो रहा था प्रेसिडेंट आया था स्पीच देने के लिए एक आदमी ने उठ के पूछ लिया सर सीए करने के लिए कितना कॉस्ट लगता है बोले मॉनिटरिंग तो बहुत कम लगता है लेकिन जवानी पूरी खर्च हो जाती है बोलो हाया ना तो तुम सीए कर रहे हो अब तुमने समझो सीए कर लिया करोड़ों कमा रहे हो छोटा सा बंगला लिया आठ डीएच के हर रोज अलग अलग रूम में सोऊंगा <laughs> बोलो हा और फिर तुम सच में एक छोटी सी गाड़ी ली नैनो कौन सी गाड़ी ली नैनो से बेटर कार नहीं है ड्राइविंग सीखने के लिए कितनी भी ठोको डेढ़ लाख का खर्चा पूरी गाड़ी रिप्लेस हो जाएगी बोलो हा है ना तो तुमने नैनो कार परचेस की भाई गाड़ी सीखने के लिए चलाते आती नहीं थी सिर्फ पता पता था कि ये क्लच, ये ये ब्रेक। ये क्लच ब्रेक है है ना तुमने नैनो ली चिली रेड कलर की चार सिग्नल दूर से दिख जाए ऐसी वाली जिस दिन तुमने नैनो ली तुम बोले कार मेरी दिन मेरा आज सब मेरा है मैं जैसा चाहूंगा वैसा चलाऊंगा टाटा के शोरूम को फोड़ के नानू बाहर निकाली तुमने कार आई रस्ते पे तुमने एक्सिलेटर पे पैर फेविकॉल लगा के चिपका दिया कि ये इससे नहीं निकलेगा ठीक है और फुल स्पीड में गाड़ी फू नानो है साठ सत्तर मैक्सिमम ठीक है <laughs> फुल स्पीड में गाड़ी भगा रही हो खिड़की की वजह से विंडशील्ड नीचे एयर फोर्स आ रहा है अंदर ऐसे पूरा ठीक है फुल मजे से गाड़ी चला रहे हो चला रहे हो ताकत से गाड़ी चला चल रही है गाड़ी वहां एकदम जोर से तुम है ठीक है सामने आया रेड सिग्नल ठीक है? तुमने लॉ पढ़ा था फिर तुमको मेरी शक्ल याद आई तुमको और गुस्सा आया और दबाया तुमने और तुमने रेड सिग्नल तोड़ दिया और जाके बीच चौराहे पे बीएमडब्ल्यू सेवन सीरीज को ठोक दी बीएमडब्ल्यू सेवन सीरीज नैनो बीएमडब्ल्यू सेवन सीरीज का टायर सिर्फ टायर विथ इट्स एक्सेल एक लाख पचहत्तर हजार रुपए का आता है जिसमें पूरी की पूरी समझ रहे हो अस्सी लाख रुपए की गाड़ी डेढ़ दो लाख रुपए का टायर और एक्सेल आएगा उसका बोलो हाँ है ना तुमने गाड़ी ठोकी तुम गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे यहां अच्छा लग रहा है बीएमडब्ल्यू वाला नीचे उतरा बाहर निकल तुम बोले हा क्या कही है बाहर निकल क्या कर दिया तुमने तो जिंदगी में तुम बाहर ही निकले उसने खिड़की से खींच के आपको बाहर निकाला बाहर निकल तुम बाहर आ, ये क्या कर दिया दी लाख लाख का दे तुमने चाबी निकाली नानों की ये रख मैं आता बाय मुझे एक बात बताओ तुम गाड़ी चला रहे हो हवा तुम्हें लग रही है खुश हो बेनिफिट तुम्हारा सीट बेल्ट लगाई नहीं लगाई तुम गाड़ी खुद के हिसाब से चला रहे हो सेफ्टी तुम्हारी पर तुमने लॉ तोड़ा और कॉस्ट किसको लगा बीएमडब्ल्यू एमडब्ल्यू सेवन क्या ऐसा होना चाहिए इट एट बी योर कॉस्ट इट शुड बी योर कॉस्ट अब समझ में आया नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एवरीबॉडी यस और नो और फिर तीन एलिमेंट हो गए तीन सबसे पहला कौन सा बिल्कुल मेरे को बिल्कुल जोर से बोलो दूसरा बोलो तीसरा समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना वो बोलते हैं ना भारत माता की इन कलब इन पहला पहला क्लोज अरे बोलो ना निकम्मो पहला क्लोज दूसरा क्लोज तीसरा क्लोज वो तीन बार बोलते हैं ना जय 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 तो ये तीन बार वाला है ठीक है और लास्ट वाला एथिक्स What do डू मीन बाय एथिक्स हाँ, ये तो मैं सुनना चाहूंगा वॉट इज ethics? एनी वन रेज hand, हैंड प्लीज टेल मी हा राइट और रॉन्ग डिसाइड करने को इथिक्स बोलते हैं बराबर है राइट और रॉन्ग डिसाइड करके रॉन्ग करने को इथिक्स बोलते हैं? <laughs> <laughs> नहीं हाँ आगे मॉरल्स अच्छा मॉरल और इथिक्स एक होते हैं अलग होता है अलग होता है, <laughs> अलग होता है? बट फिर भी वी कैन कंसिडर क्या होता है मॉरल्स लड़कियों की तरफ से बहुत जोर से आवाज़ आई अलग होता है एनी नहीं सर वो सिर्फ अलग होता है वो नहीं पता कैसे ओके okay, क्या अलग होता है यस yes? अच्छा अपने वाले मॉरल्स होते हैं और इथिक्स पब्लिक वाले होते हैं ये मतलब बहुत अपने वाले मॉरल्स होते हैं पब्लिक वाले वाले चलो कोई बात नहीं अपने मॉरल्स ना दूसरे लड़की के हाथ में चॉकलेट देना खतरे हाँ। भाई ने इंग्लिश में बोला बहुत जबरदस्त ट्रांसलेटर मैं हूं ठीक है सुनना सही चीज करना जब तुमको कोई और फोर्स नहीं कर रहा मतलब इथिक्स वो कहता है ना सही आदमी सही होता है भले ही कोई ना देखे वो सही काम करता है तो उसे क्या कहते हैं बराबर शानदार बेटा पास करोगे ओके okay, और कोई हाँ मैम मॉरली एक्सेप्टेबल ओके चलो सॉरी लोग इस गुस्से से देख लिया <laughs> okay, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना कैटसिफ कैटरी खाने के लिए आंसर मत दो नहीं तो कोई भी आंसर <laughs> हाँ बोलो हाँ किया था ना इधर अच्छा जनरल ह्यूमन वैल्यूज जनरल ह्यूमन वैल्यूज सुना है कभी इधर हथियार डाल दिया भाई ओके जनरल ह्यूमन वैल्यूज वी कैन कंसीडर मैं समझाऊंगा डोंट वरी ओके पीछे पास करना हाँ कोड ऑफ डू एंड डोन्ट्स डू एंड डोंट्स तो सुना होगा ऑफ कोर्स है ना चलो सो व्हाट इज इथिक्स सिंपल वर्ड है सिंपल डेफिनेशन है सर इजी टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टू डिफाइन क्या बोलना <laughs> यही इथिक्स होता है ना नहीं okay. पहले तो इथिक्स समझते फाउंडेशन पास हुए थे अभी एनी रैंकर रैंकर्स लंबी पार्टी की हुई दिख रही है ओके गुड okay, जो भी लोग रैंकर्स से पार्टी वार्टी दी लोगों को <laughs> खा फायदा जिंदगी के अंदर ये पापी लोग है सबके सब रैंकर्स जो रैंक लाके पार्टी ना दे है हद है जिंदगी में ठीक है सो रैंकर आने के बाद में पार्टी जरूर देनी चाहिए आपको पता है रैंकर से भी खुशी एक और आदमी को होती है जो शार्प दो <laughs> तो कांग्रेचुलेशन भी शुरू हो गया इन्होंने पक्का पार्टी दी होगी सबको <laughs> ये लोगों के दुआओं से जरूर पास हुए हैं सबके सब ठीक है चलो वेरी गुड अब मैं ये बात कर रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना जब आपने पार्टी की होगी थोड़ा पार्टी वाला माहौल बनाते अपन सतरंगी लाइट चाहिए ना थोड़ी सी हाँ है ना तो तुम पार्टी में गए लोग डांस कर रहे हैं समझो मतलब सब तुम्हारे जैसे ही कर रहे हैं सो पार्टी तुम दे रहे हो तुम्हारे दोस्त डांस कर रहे हैं ठीक है बहुत अच्छे से ध्यान देना अब तुम पार्टी में डांस कर रहे हो जोर जोर से और तुम्हारा डांस मतलब गणपति डांस और दूसरा आता कौन सा है अपने को हाँ है ना तुम शुरू हो गए ठीक है एक आदमी ऐसे दूर बैठा है और तुमको गुस्से से देख रहा है आदमी दूर बैठा और तुमको गुस्से से देख रहा है पता नहीं क्यों तुम्हारा डांस ही ऐसा होगा शायद तुम फिर भी डांस करते रहे थोड़ी देर बाद वो आदमी उठा तुम्हारा डांस स्लो हो गया उसने एक बोतल उठाई और स्लो हो गया पीली नहीं रहे निकम में उसने फिर बोतल फोड़ी फाट बोतल फोड़ी फुगा फोड़ा सो उसने बोतल फोड़ी और डांस कम हो गया और उसने तुम्हारी तरफ भागना शुरू कर दिया मुझे पता हो रीजन पता हो ना पता हो अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे नहीं भागोगे तुम्हारा दोस्त रोकेगा अबे क्यों डर रहा है तो फाउंडेशन पास हुआ तेल लेने गया फाउंडेशन <laughs> अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे तुम आगे भाग रहे हो पीछे भाग रहा है तुम आगे वो पीछे कभी तुम उसके आगे वो तुम्हारे पीछे कभी वो आपके आगे तुम उसके पीछे टू मच फन बोलो हा है ना फिर तुम दो तीन किलोमीटर भाग लिए फिर तुमने सोचा मैं क्यों भाग रहा हूं फिर तुमने दो बोतल उठाई तुमने दो बोतल फोड़ी तुम उसके तरफ पलटे और तुमने उसको बोला आ भैया दो केसेस है कितने कैसे दो पहले केस में उसको पार्टी में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था और तुमको डबल मजा आ रहा था इसलिए उसने बोतल ली और तुमको मार दी मर्डर वन मर्डर टू मर्डर थ्री तीन तीन रिलीज हुए थे ना पार्ट हाँ ना पहला वाला तुमने जरूर देखा होगा हाँ ना सो so, बेसिकली देखा जाए तो उसने मर्डर कर दिया अब मुझे एक बात बताओ उसने मजे मजे के लिए तुमको मर्डर कर दिया एथिकल है अनएथिकल है अब तुम तो मर गए ना रुको तुम्हारा छोड़ो आजू आजू वालों को पूछो वो क्या बोलेंगे एथिकल है अनएथिकल है बराबर पक्का अनएथिकल है आर यू वेरी श्योर किसी का ओपिनियन अलग पक्का श्योर वही दूसरे केस में उसने तुमको बॉटल मारने के पहले तुमने उसको दो बॉटल मारी उससे एक ज्यादा उससे डबल एक ऊपर एक मतलब पेट में एक गले पे एक पेट में रे सो तुमने उसको दो बॉटल मारी अब मुझे एक बार बताओ सेल्फ डिफेंस में उसने तो तु, तूने तु, उसको दो बोतल मारी तो इथिकल या नीथिकल है, नहीं है? अच्छा मतलब तुम करो तो रास लीला और वो करे तो करेक्टीला है वो मैं करो तो साला तो तुमने अगर उसको दो बोतल मारी तो इथिकल हो गया और उसने तुमको मारा तो अनिथिकल क्यों सेल्फ डिफेंस में मारा यही डिफरेंस होता है इथिक्स में अगर तुम सही चीज का सिलेक्शन कर लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन देन भगवत गीता में लिखा है धर्म मतलब इथिक्स, मतलब दिमाग उदृत मतलब जन्म लेता है तुम्हारा धर्म तुम्हारे दिमाग से ही जन्म लेता है तुम स्टूडेंट हो धर्म स्टूडेंट है पढ़ना चाहिए इथिक्स है सवेरे सात बजे क्लास है नहा धो के पूजा वगैरह करके क्या पूजा <laughs> पूजा भी पूजा करके नहीं आ रही है सर बोलो हा है ना तो आना चाहिए सर कैसे वैसे पहुंच जाए वही बहुत है जिंदगी के अंदर हाँ ना तो बेसिकली देखा जाए तो धर्म मतलब इथिक्स तुमको क्या सही फॉलो करना है देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मॉरल्स इथिक्स ये सबके लिए एक जैसे होते हैं जैसे तुमने देखा मर्डर किया तो तुमने भी अनिथिकल बोला सबने भी अनिथिकल बोला लेकिन मॉरल ये इनर वैल्यूज है ठीक है सम एनी जैन आउट डेयर जैन लोग बोलो हा है ना जैन लोग नॉनवेज वगैरह बिल्कुल नहीं खाते तो समझो अब ये लोग इनमें से कोई जैन आउट डेयर हाथ जन हाँ नाम बोलो बेटा श्रेयांश ना बैठो बैठो श्रेयांश, ठीक है तो समझो डांस बार वही जो डांस बार नहीं सॉरी बार के बार भी नहीं सॉरी जो डांस फ्लोर पे वो मर्डर का सीन चल रहा था श्रेयांश ने बोतल उठाई सेल्फ डिफेंस में मारने की कोशिश की पर वो जैन है मार सकेंगे ऐसे मैंने जहां तक सुना है जैन लोग खुद के सिस्टम के बहुत एकदम मॉस्क्यूटो या किसी भी इंसेक्ट्स को भी नहीं मारते ये तो खड़ा आदमी है बोलो हाँ ना? तो उसने बोतल ली बोले रुक मैं जैन हूं

समझ में आ रहा है है ना सो आर आर वेरी सिंपल को सिखाया जाता कि भाई तुमने मारने के लिए कोई टेंशन नहीं लेना धर्म की रक्षा के लिए मारो मॉरल हो गया जैन के लिए सिखाया जाता है कोई जीव को हानि नहीं करना मॉरल हो गया पर परिथिक सबके लिए एक जैसा होता है आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं तो चार चीजें लॉ बनाने के लिए कंपलसरी बेटा कितनी चीजें जोर से बोले एक बार चार सबसे पहला कौन सा है जोर से बोलो सेफ्टी दूसरा कौन सा है बेनिफिट तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर और चौथा इथिक्स भी, भी, भी गौर से सुनना पहले दो लॉ के अंदर लिखने पड़ते हैं डब्ल्यू आर अच्छा मेरे स्पेलिंग के बारे में बोल दू मेरे स्पेलिंग और इंग्लिश बहुत जबरदस्त है इतनी अच्छी है कि तुमको समझ में ही नहीं आएगी ठीक है वो होता है ना यूएस इंग्लिश फिर यूके इंग्लिश फिर डीके इंग्लिश समझ में आ रहा है सबको तो स्पेलिंग एडजस्ट कर लेना ठीक है जब सीए फाइनल का मेरा पेपर लिखने के लिए आया था और मेरे को स्पेलिंग नहीं आता था जैसे साइकोलॉजी साइकोलॉजी का स्पेलिंग कहां से शुरू होता है उसको पसाइकोलॉजी क्यों नहीं बोलते <laughs> तो मेरे को समझ में नहीं आता था तो मेरे को यह पता था साइकोलॉजी का पी से शुरू होता है पर अगला नहीं आता था ना तो मैं ऐसे लिखता था <laughs> वैल्यूअ ने ढूंढ लिया होगा और मैं पास हो गया तो स्पेलिंग एडजस्ट करना जरूर सो so, पहले दो क्लॉजेस रिटर्न होते हैं पहले नॉट एट है? है. है ऐसा कोई लॉ नहीं है, जिसके अंदर पहला है, होगा, <laughs> है भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा क्या सेक्शन वन में लिखा था रिमेनिंग प्रोविजनल <laughs> तो ऑब्वियसली लास्ट दो प्रोविजन क्या होते हैं बोले एक बार जो से Assumed होते हैं। लास्ट बेंच अंदमान क्लास में ऐसे नींद आने लग गई ना इंस्टेंटली हॉल का आर्किटेक्चर इंटरेस्टिंग हो जाता है है ना? इधर ठीक है सो so याद रखना लास्ट दो वाले क्या है बोले एक बार से अज्यूम पहले दो क्या है बोले एक बार लिखने कंसप्ट समझ में आ रहा है सबको अभी अज्यूम्ड इसलिए कभी लिखते नहीं है पहले दो लिखना जरूरी है अब सवाल यह है अगर पहले दो लिखना जरूरी है तो पहले दो में से भी इंपॉर्टेंट कौन सा है सेफ्टी या बेनिफिट जोर से बोलो कौन सा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी तो एक सिंपल सा सवाल मैं तुमको पूछ रहा हूं आ जाना बोर्ड के ऊपर अगर मैं सेफ्टी और बेनिफिट ये क्लॉज को लू और मैं चार डिफरेंट टाइप के लॉज बनाऊं तो तुमको सिलेक्ट करना है कि इसमें से बेटर लॉ कौन सा होगा ठीक है एक एक लेते हैं पहला लॉ का ड्राफ्ट बनाया जिसमें कोई भी सेफ्टी नहीं है और जिसमें कोई बेनिफिट भी नहीं है क्या यह लॉ बन सकता है सब जन बोलो बन सकता है नहीं दूसरा लॉ का ड्राफ्ट बनाया जिसमें सेफ्टी नहीं है पर बेनिफिट है क्या लॉ बन सकता है ऐसा लॉ किस काम का जो लोगों को डैमेज करे और तुमको बेनिफिट दे क्योंकि सेफ्टी तो नहीं है ना तीसरा वाला सेफ्टी है पर बेनिफिट नहीं है नहीं। सब जन बोलो क्या ये लॉ बन सकता है एवरीबडी लास्ट बेंचेस क्या लॉ बन सकता है कोई एग्जाम्पल इसका अभी बताया था ना टेररिज्म वाला टेररिज्म वाला लॉ कोई आपको बेनिफिट देता है ऐसा लिखा है टेरिज्म में कि इंडिया का इंडिपेंडेंट पर्सन हो तो एक रिवॉल्वर कम से कम लेके घूमने चाहिए लड़कियों के तो लो बोला पांच ग्रेनेड एक न्यूक्लियर बॉम्ब बोलो ऐसा है कहीं नहीं तो ये है वाला लॉ पहले दो के एग्जाम्पल इसलिए नहीं है बिकॉज पहले दो लॉ ही नहीं है पहले दो लॉ ही नहीं है तो एग्जाम्पल कहां से आएगा तीसरा है इसलिए उसका एग्जाम्पल है चौथा सेफ्टी भी है बेनिफिट भी है फिर क्या लॉ बन सकता है जरूर बन सकता है मित्रों मेरे प्यारे देशवासी सेफ्टी और बेनिफिट दोनों मिलकर हे लॉ बनाया जा सकता है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई और उनकी बहनों अरे भाई और बहनों सॉरी बुरा मन मानो ऐसे और बहनों मुझे बताओ लॉ में सेफ्टी और बेनिफिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अरे बोलो ना हाँ ना मोदी जी निपट जाएंगे जिंदगी में जल्दी बोलो होना चाहिए होना चाहिए तो पहला प्रेफरेंस हम किसको देने वाले हैं एक बार सेफ्टी और बेनिफिट जहां दोनों है और दूसरा प्रेफरेंस जहां पे सिर्फ सेफ्टी समझ में आया क्या अरे बोलो हाँ ना लिख के रखो इसको पहले तो एक सवाल लिखना व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड वॉट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड कितने फैक्टर्स है बच्चों चारों के चारों एक के नीचे एक लिख दो फटाफट याद है पहला बोलो कौन सा था दूसरा तीसरा और चौथा एथिक्स वैसे फायर फाइटर्स सुने आपने ये तो एक्सप्लेन करना रह गया अपना फायर फाइटिंग सिस्टम सुना है आपने फायर फाइटर्स अगर आपको पता होगा तो सेफ्टी और बेनिफिट का कंबाइन एग्जाम्पल है नॉर्मली अगर कहीं आग लग गई दुकान में घर पे दिल में दिल में नहीं सॉरी कहीं आग लग गई तो फायर फाइटर्स आते हैं और आग बुझाते हैं। अरे बोलो हाँ ना लेकिन अगर आपको शायद नहीं पता पूना में महाराष्ट्र में एटलीस्ट जहां तक मेरे को पता है अगर कोई बिल्डिंग आप 11 स्टोरीड से ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो गारवा मंजिल और उससे ऊपर तो उस बिल्डिंग में कंपलसरी फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना कंपलसरी है समझ में आ रहा है तो उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में भी हम फायर फाइटर्स को यूज करते हैं फायर फाइटर्स कई बार हमारे जो एयरपोर्ट्स होते हैं बस सर्विसेस होती है रेलवेज इनके बड़े कंस्ट्रक्शन में भी यूज किए जाते हैं बिकॉज उनको अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड हाइट वाले सिचुएशन में टेक्निकल चीजों को कंप्लीट करने के लिए क्लियर है अभी पुणे में पूरा का पूरा मेट्रो बन रहा है बोलो हाँ है ना तो आपने शायद कहीं देखा होगा फायर फाइटर्स पूरे के पूरे उनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब यूज किए जाते हैं फॉर द ऑफ नाउ मेट्रो इज नॉट फॉर सेफ्टी मेट्रो इज फॉर जोर से बोलो बेनिफिट तो फायर फाइटिंग इज द बेस्ट एक्साम्पल ऑफ बोथ ऑफ देम सेफ्टी एज वेल एज एक बार बेनिफिट ठीक है तो अब सेफ्टी और बेनिफिट आपने सब एक के नीचे एक लिखे है सेफ्टी और बेनिफिट के सामने लिखना दे आर नीड टू बी रिटर्न इन द लॉ उसको करली ब्रैकेट करना सेफ्टी और बेनिफिट को और लिखना दे नीड टू बी रिटर्न इन द लॉ दे नीड टू बी रिटर्न इन द लॉ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर ऑर इथिक्स में दे आर अज्यूमड इन द लॉ दे आर अज्यूम्ड इन द लॉ डन एवरीडी बोलो हो गया है, नहीं हो गया ओके okay, उसके बाद वो टेबल कॉपी करना है जो मैंने दिखाया था दिस वन राइट इट डाउन भी लिख रखना एग्जाम्पल भी लिख रखना पोटा पोटा मतलब बच्चों प्रिवेंशन ऑफ टेरिस्ट एक्टिविटीज और दूसरा इनकम टैक्स इनकम टैक्स का ईयर कौन सा है ताजा ताजा पढ़ा होगा ना 1961 डन एवरीबी बोलो हाँ है ना आगे बॉलीवुडो में पक्का चल अगला सवाल जो आता है वो है हाउ लॉ इज मेड इंडिया में लॉ कैसे पास किया जाता है एनीवन? कहां पास करते हैं पार्लियामेंट में और मैंने सुना विजय सर ने एक और चीज बताई सवेरे सवेरे प्रेसिडेंट भी बना सकता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस बट विजय सर ने सिर्फ दो चीजें बताई पार्लियामेंट में लॉ पास होता है और प्रेसिडेंट अमेंडमेंट करता है ऑर्डिनेंस का सवाल है कैसे कैसा है वो इनकम टैक्स पढ़ा रहे इसलिए वो प्रोसेस नहीं बोल सकते पर अपन तो लॉ पढ़ रहे हैं लॉ बोलो सो व्हाट इज अ प्रोसीजर हाँ फिर पहले बिल ड्राफ्ट करते हैं फिर सभी लोग बोल रहे हैं ऐसे फेंकनी पड़ेगी मेरे को कैडबरी हाँ कोई हाथ रेस करो और स्ट्रेट बोलो धन 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 हाँ ओके okay. प्रेसिडेंट <laughs> का साइन चाहिए सवेरे सवेरे पढ़ा है ना हाँ है ना सर वेरी गुड सब्सटेंशियली सही है और कोई कुछ ऐड करना चाहे यू स्टिल हे हा उसके बाद में वो होता है अच्छा क्या बोला क्या पास करो जरा प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट करते हैं पहले और फिर उसके बाद में ये प्रोसेस लगाई जाती है सही है सिचुएशन डिमांड कर फेंक दी पहुंचेगी ना उसके पास <laughs> आगे हाँ प्रेसिडेंट ने बिल जनरेट कर दिया, दिया। रिजेक्ट कर दिया वापस आ सकता है पार्लियामेंट में ओके तो, तो 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 फाइन तो 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 okay, हाँ सेम सेम प्रोसेस कोई दिक्कत नहीं रुको होल्ड अभी पास करो पीछे तुम सब बोल रहे हो ना वो सब सही है एब्सोल्युटली राइट एवरीबॉडी प्लीज कीप कॉन्सेंट्रेटिंग ठीक है मुंडी स्ट्रेट बैठो मेरे तरफ तो ध्यान दो अभी बहुत जरूरी चीज आने वाली है जिंदगी में सुनो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुना है? बात यहां से शुरू होनी चाहिए क्योंकि इंडिया का सबसे पहला लॉ कौन सा है कब बना में। कौन सा दिन 26 जनवरी मनाते हैं पता है क्यों मनाते हैं अपन सर वो उस दिन ना छुट्टी होती है इसलिए हर स्कूल में सर चॉकलेट मिलती थी, थी पीटी करवाते थे छोड़ देते थे <laughs> स्कूल में पढ़ते थे क्या ओके सो मुझे एक बार बताओ 26 जनवरी क्यों मनाते अपन 26 जनवरी क्यों मनाते हैं निकम्मो मेरे देश के आजाद नागरिक को 26 जनवरी लॉकी क्लास में अपन बोलो ऑफ़ इंडिया 26 जनवरी से शुरू हुआ था पक्का पक्का यू आर वेरी श्योर पक्का ना और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बना होगा कि के पहले संविधान होगा तो पार्लियामेंट होगा अरे हा ना वो बचपन में ना एक सब्जेक्ट होता था हिस्ट्री और उसके साथ एक 40 पेजेस की बुक आती थी याद है वो जिसके अंदर तुमने अच्छे अच्छे फोटो देख के उसको फेंक दिया था बोलो आया ना तो सिविक्स के अंदर लिखा रहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट बनता है बराबर है पक्का हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं सीए एक्ट का ईयर है 1949 फोर्टी नाइन एक जुलाई पता है सीए डे मनाते क्यों मनाते उस दिन सर सीए का जन्म हुआ था उस दिन एक्ट अप्लीकेबल हुआ था नाइनटीन में सी एक्ट का ईयर नाइनटीन है पर मेरे को अब एक सवाल आया है वो भी बहुत जोर से जा क्या चुप मेरे को बहुत जोर से सवाल आया पूछो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में सी एक्ट बना 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन के सिवा पार्लियामेंट नहीं है तो सी एक्ट किसने बनाया ये सवाल का जवाब नहीं मिला ना अपना कोर्स खतरे में है और फ्यूचर अंधकार में अब एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी और प्रेसिडेंट भी नहीं आता मेरे भाई किसने फ्रीडम फाइटर्स ने आप हंस रहे हो पर उसका जवाब सही है देखो कैडबरी भी पहुंच गई कैसे मैं बोलता हूं 1947 में अपने को जब इंडिपेंडेंस तो सीपीटी में, में मेरे पास था ना इधर डबरी वापस दे ओके सर देवन में अपने को जब इंडिपेंडेंस मिला था वहां से लेकर तक के हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो पार्लियामेंट नहीं था पर इंडिया के ऑथेंटिकेशन के लॉज बनाने थे ऑथेंटिकेशन के लॉज पता है मतलब वो लॉज जो इंडिया को ऑथेंटिसिटी दे सकते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा ऑथेंटिसिटी देने वाला कोई बंदा ही नहीं है तो फिर यह सवाल पैदा हुआ कि सीए वाला एक्ट कैसे पास किया जाए तो 1947 में सभी फ्रीडम फाइटर्स को इनविटेशन दिया गया और बोले कि तुम बैठ जाओ और हम तुमको डिक्लेयर करते हैं प्रोविजनल पार्लियामेंट प्रोविजनल वैसे भी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उनको कोई काम ही नहीं बचा था फ्रीडम फाइटर्स थे ना फ्रीडम तो मिल गया अब कई के लिए फाइट करेंगे तो फिर उनको बिठाया गया और बोला गया कि आप बैठ के लॉ बनाओ तो फिर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने 1949 में दो लॉज इनेक्ट किए एक देश के सिस्टम को चलाने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और दूसरा ऑथेंटिसिटी का फ्लो बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ टार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट वही कॉलेज जिससे तुम सीए कर रहे हो है ना कॉलेज पूछते ना रिलेटिव आते है ना कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है मन करता है गले में बोर्ड लेके घूमू कि साला सीए का कोई कॉलेज नहीं होता दूसरा मन करता है वो बोलने का अबे साले <laughs> बोलो हाँ ना तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 1949 में हमारा फ्रीडम फाइटर्स ने लॉ बनाया किसने लॉ बनाया फ्रीडम फाइटर्स क्लियर है तो अपने को ऐसे फक्र महसूस होना चाहिए फक्र ठीक है महसूस होना चाहिए तुम उसमें ढूंढ लोगे मेरे को मालूम है सो so अपने को फक्र महसूस होना चाहिए ठीक है कि भाई हमें जो ऑथेंटिसिटी दी है वो किसने दी है फ्रीडम फाइटर्स ने वो इंस्टीट्यूट का लोगो देखा है चिड़िया नहीं कबूतर नहीं है वो कैसे लोग <laughs> है वो ईगल है वो ईगल वो ये लिखा रहता है ना यहाँ एशाह वो सुना है कभी जागृति उसका मतलब क्या है वो ईगल है ना वो पंख फैला के बैठा है उसके नीचे लिखा रहता है यह ऐशह सुशु जागृति उसका मतलब होता है कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना विजिलेंट है कि पूरी दुनिया सोती रहे हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट जागता रहेगा तुम ओ मत करो ये उल्टा होता है क्लास में यह जगह होता है कि तुम पूरी दुनिया जागरी है ये क्लास में आके सोते हैं दुनिया के सबसे ट्रेंड आर्टिस्ट ने वो लोगों बनाया जिसका नाम था अरबिंदो पांडे में उनका एक सिटी है और सिटी और सिटी पता है थोड़ा गूगल के ऊपर सर्च करना तुमको समझ में आएगा ठीक है? वेरी क्राफ्टमैन नियरली चार से साढ़े चार सौ लोगों के पेटेंट सिर्फ वो अकेले आदमी के नाम पे जिसने अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के लोगों बनाया है थेके? तो हमें किसने बनाया है फ्रीडम फाइटर्स ने किसने बनाया है क्या बोला बीच में अरबिंदो ने नहीं बनाया हमें सस्ते नशे करके बैठे हो क्या आगे मैं पागल हो जाऊंगा एक क्लास लेते लेते लग रहा है मेरे को नेक्स्ट वाला सिचुएशन अब जरा देखना इंडिया में बच्चों दान दो ओके okay, अब बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना तुमने मेरे को बोला कि पार्लियामेंट में पास होता है बहुत सही है प्रेसिडेंट अप्रूव करता उससे ज्यादा सही है वो सब करते खिचड़ी वगैरह सब 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 एकदम भारी पर इंडिया में लॉ कितने टाइप के होते पहले तो ये समझना जरूरी है उ मेनी टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ लॉज आर देर अब ये जो चीज बताने जा रहा हूं यह मैक्सिम आपको शायद कोई बोलेगा नहीं तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर ध्यान देना यह तुम्हारे सभी लॉज का बेस बनेगा जितने भी तुम फाइनल लेवल तक पढ़ोगे उन सबका हा सो आई वॉन्ट एंटायर अटेंशन ऑफ यूर्स यियर ठीक है लेस गो मुंडे उंडे शर्ट को स्ट्रेट बैठो कॉन्सेंट्रेट जितनी भी नींद आ रही है बोलना नहीं आना अभी अभी तो बिल्कुल नहीं आ सकती ठीक है गो, पूरा ध्यान बोर्ड पे नींद आ रही है तो साइड वाले को एक दो फटके मार लो थोड़े से, दान लोन मारो 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 तुमको तुम्हारे एग्जाम की कसम हाँ नहीं ठीक है मत मारो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ नहीं करना है भाई वो उसको लेके पटक रहे अबे तुमको कितने इल्जाम मेरे पे आएगा गो So, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कॉन्स्टी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का इसमें कई सारे आर्टिकल लिखे हैं जिसमें हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी आर्टिकल दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच पता है ना आजादी जोर से मांगेंगे आजादी कह के लेंगे आजादी अरे कह के लेंगे आजादी, के लेंगे, आजादी रे वो जो बीच में हुआ था क्या था तुमको जे वाला किस्सा बोलो हाँ ना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आया था कौन से आर्टिकल में तुमको फ्रीडम दिया है लगाओ बोली हाँ। yes. 14? 14 तो नहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा फिफ्टीन ना अच्छा वहां साढ़े चौदह नहीं बोला फोर्टीन थोड़ा आगे बढ़ो सर साढ़े चौदह निकमो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 19 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल नंबर कौन सा 19. हाथ के कंकड़ को आरसी क्यों पढ़े लिखे को फारसी क्यों आ जाओ लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही खोल लेते अपन आज मतलब खुलेगा तो मतलब खुल जा सिम सिम हा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कोई भी लॉ जब बनता है तो उसके फ्रंट पेज पे ये मोहर लगाई जाती है और ऐसा लिखना चाहिए ये तरीका होता है लॉ लिखने का ठीक है फिर नीचे किसने बनाया है कब पब्लिश हुआ वो सब लिखा जाता है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन होना जरूरी है इंडेक्स जो तुमको घंटा कभी समझ में नहीं लॉ सॉरी क्लॉज एंड एब्रीवेशन जो कभी समझ में नहीं आएंगे तुमको डोंट वरी फिर इंडेक्स ये कभी पंडा पढ़ते ही नहीं है जिंदगी में हम और इसके आते हैं आर्टिकल नंबर सीधा सीधा 19 पे देखा इसके पहले कभी सर हमने हमारे कोर्स की किताबें नहीं देखी तुम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो ये लो फ्रीडम ऑफ स्पीच सब जन पढ़ेंगे देश के आजाद नागरिक हो ना yes. तो पढ़ना हक है अपना ठीक है सब जन साथ में क्या है बोलो आर्टिकल फोर नाइनटीन ऑल सिटीजन शॉल द राइट टू फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन अब इतने सारे प्रोटेस्ट दुनिया में चल रहे हैं ए के खिलाफ देश में उसका भी तो क्लॉज होना चाहिए जमावड़ा बना सकते हो प्रोटेस्ट कर सकते हो पर हथियार लेके नहीं हथियार के अंदर हर टाइप का हथियार सुतरी बॉम्ब भी आता है और बचपन में जो दिवाली में टिकली फोड़ने वाला रहता ना नहीं तुम मजाक करने के अंदर वहां फोड़ दोगे इतने सारे लोग जमा हाँ, फटाक पब्लिक ने सीरियसली ले लिया तो हा है ना तो बिना आर्म्स के आप इसको कर सकते हो प्रोटेस्ट वगैरह को टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन जैसे को ऑपरेटिव सोसाइटी टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया पहले इसमें जम्मू कश्मीर नहीं था अभी आ चुका है नेक्स्ट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटोरी ऑफ इंडिया इसमें भी जम्मू कश्मीर नहीं था पर अभी आ चुका है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड और बिजनेस यह है तुम्हारा आर्टिकल नंबर नाइनटीन इसी 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 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 245 246 पे होल्ड थोड़ा ढूंढने के लिए समय लगेगा सर बस वही नहीं है सवा चार बज गए हमारी इन्वर्टर शुरू हो चुके हैं बोलो हाँ लग बहुत जो जोर से आया है हाँ ये बस ये पढ़ के अपने को खत्म करना है हाँ, ये इधर टू फिफ्टी एवरीबॉडी एवरीबडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट हम लॉ बनाने का पावर देख रहे थे बोलो हाँ या ना अब साथ साथ में पढ़ेंगे कि लॉ कैसे बनता है एवरीबडी हाँ पार्लियामेंट में लॉ क्यों बनता है इसके लिए आर्टिकल नंबर टू फोर्टी फाइव थ्री है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्ट पार्लियामेंट मे मेक द लॉज एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे मेक द लॉज पार्ट ऑफ द स्टेट पर सवाल उठता है कि ये लॉ कहां से बनाएंगे ठीक है तो आर्टिकल नंबर टू फोर्टी सिक्स यह भी कभी काफी काम का है इसमें समझ में आएगा वन टू थ्री बोलो क्या है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन क्लॉज सब क्लॉज टू पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर एन्यूमरेटेड इन लिस्ट वन टू सेवंथ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्ड टू एज यूनियन लिस्ट ये पहला ट लिस्ट ये दूसरा एंड स्टेट लिस्ट ये तीसरा मतलब इंडिया में अगर आप मुझे पूछो कि सर कितने टाइप के लॉज बनाए जाते हैं तो मैं ये बोलूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से आर्टिकल नंबर टू फोर्टी फाइव से इज दैट की लॉ विल बी प्रिपेयर विल बी प्रिपेयर कौन प्रिपेयर करेगा बच्चों बोलो अभी पढ़ाना गजनी लोगों कभी पढ़ाना कौन प्रिपेयर करेगा जोर से बोलो कौन प्रिपेयर करेगा पार्लियामेंट और ये लॉ कौन से लिस्ट में से सिलेक्ट करेगा लिस्ट ऑफ द लॉज और वो लिस्ट कौन से शेड्यूल में दी है शेड्यूल सेवेंथ में दी है जिसके अंदर तीन लिस्ट दी गई है कितनी लिस्ट दी गई है तीन सबसे पहली लिस्ट कौन सी है यूनियन दूसरी लिस्ट कौन सी है कॉन्करेंट लिस्ट और तीसरी कौन सी लिस्ट है स्टेट लिस्ट सो so, हम तीन तरीके से लॉ बना सकते हैं यूनियन कॉन्करेंट और कौन सा बोले एक बार स्टेट एक एक का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं लिखने के लिए समय मिलेगा जस्ट वेट इनकम टैक्स एक्ट पूरे देश को अप्लाई होता है या स्टेट को अप्लाई होता है तो यूनियन लॉ हुआ या स्टेट लॉ हुआ बराबर है कंपनीज एक्ट पूरे देश को अप्लाई होता है स्टेट को अप्लाई होता है तो यूनियन या स्टेट लॉ हुआ महाराष्ट्र में गुटखा बैन है ऊंचे लोग ऊंची पसंद जिंदगी झंड माणिक चंद है ना हाँ यहाँ माणिक चंद पता है उसका ओनर वो धारीवाल धारीवाल पता है ना उसने माणिक चंद बनाया उसे कैंसर होता है फिर उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया बोले इधर से भी बेचेंगे इधर से भी बेचेंगे प्रॉपर बिजनेस मॉडल और फिर वो है विमल बोलो जुबा केसरी दाने दाने में केसर का दम नेक्स्ट टाइम जब रिलेटिव घर पे आएंगे तो केसर में एर, खीर में केसर नहीं डालना विमल डालना <laughs> दाने दाने में दम है बोलो हाँ है ना हा कर ठीक है सो दाने दाने में क्या बोले एक से केसर का दम यहां तक आइडिया क्लियर है बोलो सर नहीं ये क्लियर नहीं होना था अभी जो चाहता हूं वो क्लियर हो महाराष्ट्र में गुटखा बैन है बोलो हाँ है ना क्या पूरे देश में गुटखा बैन हो गया है गुजरात में लिकर बैन है ड्राई स्टेट है गुजरात बिहार में भी लिखकर बहने यकीन नहीं होता पर है अरे है ना हा है ना तो ये स्टेट लॉ हुआ ये कौन सा लॉ हुआ स्टेट सो so, यूनियन समझ में आया स्टेट समझ में आया एवरीबडी अंदमान निकोबार समझ में आया बोलो हा है ना सबको समझ में आया यूनियन और स्टेट वॉट इज कॉन्करेंट कॉन्करेंट लॉ का बेस्ट एग्जाम्पल अपने सिलेबस में है गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर हा ना क्या लॉन्ग फॉर्म है इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स ईयर 2017. आपने भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए सबसे अच्छे बड़े लॉस तुम्हारे एज में बन रहे हैं कंपनी दो हजार तेरह यह अगले 50 साल तक वापस नहीं बनाया जाएगा जीएसटी अभी बनाया अगले 50 साल तक जीएसटी वापस नहीं बनाया जाएगा अमेंड बार बार होगा पर तुमने भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि मेरे को इस एरा में पैदा किया जिसमें अच्छे अच्छे लॉज बन रहे तो तेल लेने गया यहाँ सिलेबस बढ़ रहा है हमारा हाँ <laughs> बोलो है और ना सो जीएसटी इज अ कौन सा लॉ कौन करेंट अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की तो जोर से बोलो कौन सा लॉ है यूनियन 1961 दूसरा वाला कंपनीज एक्ट कौन सा लॉ है यूनियन 2013 इधर गुटखा स्टेट लॉ लिकर लॉटरी सुना है लॉटरी लॉटरी स्टेट लॉ होता है सेंट्रल लॉ होता है स्टेट लॉ क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को लॉटरी का इनकम मिलता है क्लियर है सो ये तीन लॉज होते हैं और ये तीन लिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट ये लिस्ट देके रखी है सेवन शेड्यूल के पहले आर्टिकल के अंदर लिस्ट के अंदर यूनियन लिस्ट में देर आर नाइनटी सेवन एंट्रीज कॉन्करेंट लिस्ट में देर आर सिक्सटी सिक्स एंट्रीज एंड स्टेट लिस्ट में देर आर फोर्टी सेवन एंट्रीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगर हम इसको कंसिडर करें होल्ड तो आई विस्ट ऑल्सो दिस इज यूनियन लिस्ट टू सेवन शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसके अंदर ही आपके सभी यूनियन लॉज बनाए जाते हैं कंपनीज एक्ट कहां बनाया देखना है वन फोर्टी एट सेक्शन नंबर वाला नहीं देखना सर सवा चार बज गए कुछ ही नहीं देखना सर बस करो हाँ ना? है ना कंपनी देखना जल्दी बोलो हाँ ना जोर से बोलो हाँ ना एंट्री नंबर फोर्टी थ्री एंट्री नंबर फोर्टी फोर पढ़ो इसको कंपनी एक्ट कैसे बना इमीडिएटली समझ में आएगा वन टू थ्री बोलो क्या है इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप Of trading corporation including banking, insurance, financial corporation, but not including cooperative society. 44 Incorporation regulation winding up of the corporation, whether trading or not, with the object not confined to one set, but not including universities. Companies are these two clauses. Clear? These total entries are 97.

पार्लियामेंट तक के लॉ कैसे आता है उसका प्रोसेस है कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना जोर से बोलो इस नो लिख लो इसको गो फॉर इट फास्ट

तुमको नोट्स कितने मिलने वाले हैं सुनना चाहोगे नोट्स कितने मिलने वाले हैं बताओ कि नहीं रहने दो अबे सुनना है नहीं सुनना है तो कर लो या पहले पैकिंग कर लो वरना तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बंद करके बैठ जाओ सब बैठ गए बोलो हा है ना एवरीबडी नाउ प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करना एक बुक मिस हो गई तो जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है सबसे पहली नोट्स आपको जो, जो मिलेगी दैट इज टोटली फोर कलर नोट्स विथ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जिसके अंदर आज जो पढ़ाया उसका नियरली सभी कंटेंट मैंने लिखा हुआ है बट तुमसे फिर भी मैं लिखाऊंगा क्योंकि हमको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत तगड़े लेवल पे करनी है 148 के 148 सेक्शन बकायदा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लिखे होने चाहिए सो दिस क्वेश्चन एयर इससे भी बेटर है इस बार। और नियरली चार सौ साढ़े चार सौ क्वेश्चन के आसपास इसके अंदर हमने फिलअप किए हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आपको क्वेश्चन एयर मिलेगा बिकॉज उसमें कलर डाल के वैसे भी कोई फायदा नहीं है कंसेप्ट नोट सभी की सभी हमारी कलर रहेगी जैसे आज मैंने आपको जो जो बताया वो सब इस नोट्स के अंदर है जितने भी लॉज मैंने आपको बताए भोपाल गैस ट्रेजेडी डाउरी प्रोहिबिशन वो भी इस नोट्स में है जो मैंने आपको टेबल दिया वो भी इस नोट्स में है और लॉ बनाने का कल जो हम प्रोसेस देखने वाले हैं वो भी इस नोट्स में है पूरे एक पेज में ठीक है लंबे चौड़े चार्ट बनाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल थ्री सेवेंटी वगैरह भी सभी इसी के अंदर है ऐसे आपको पूरे फुल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन वाले नोट्स मिलेंगे फिर उसके बाद में होल्ड हाँ ये फिलहाल रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट के चार्ट का है ऐसा आपको चार्ट मिलेगा ए साइज का जिसके अंदर नियरली एक एक दो दो चैप्टर्स एक एक चार्ट में कंप्लीट किए रहेंगे ये रिविजन पर्पस के लिए मिलेगा ठीक है हर चैप्टर लास्ट इसमें मैंने ये चार्ट नहीं दिए थे बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट लेकिन इनकॉर्पोरेट कर लिए है तो ऐसे आपको इनकॉर्पोरेशन का अलग से चार्ट शेयर कैपिटल का अलग से चार्ट तो अगर छोटे छोटे चैप्टर है तो कंबाइन करके नियरली चार चार्ट रेडी तो है वो तो मिलेंगे और बन सकते हैं तो वो भी दिए जाएंगे क्लियर है सो so, बुक्स एक बार मैं बता दू कितनी मिलने वाली है और कैसे मिलने वाली है आपने वो चेक करके ही कलेक्ट करना बाद में कोई तकलीफ ना हो ठीक है सबसे पहले इसको डिवाइड करो तीन मेन पार्ट्स में पहला पार्ट है मेन बुक दूसरा पार्ट है मेन बुक का क्वेश्चन एंड आंसर तीसरा पार्ट है रिवीजन नोट्स मेन बुक हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कंपनी लॉ की मेन बुक अलग और इकोनॉमिक लॉ मतलब जो अदर्स लॉ है उसके आपके मेन बुक अलग दोनों फोर कलर नोट्स है तो एक कलरफुल नोट्स है अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट दे तो लेना मत ठीक है क्वेश्चन एंड आंसर दो पार्ट में डिवाइडेड है पहला है थे जिसके अंदर टेंटेटिवली हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड प्लस क्वेश्चन सोल्व है और दूसरा है एमसीक्यू जिसके अंदर नियरली हमने 1000 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं क्योंकि आपको 30 मार्क के लिए एमसीक्यू है पर एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करना आप पूरे दुनिया के एमसीक्यू सॉल्व कर लो इंस्टीट्यूट एनी वेज वो नई बनाती है एग्जाम के लिए तो मेन अगर आप 90 परसेंट कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर दो ना तो आपके 90% परसेंट एमसीक्यूज वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे क्लियर है और फिर आपको रिविजन चार्ट मिलेंगे फिलहाल चार तो चार्ट फिक्स है आपके ठीक है और जैसे ही बनते हैं उतने उतने आपको टाइम टाइम टू दिए जाएंगे इतने नोट आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं क्लास के लिए याद रखना इन बिटवीन कभी भी आपने अपसेंट रहना नहीं अगर आप टेंटेटिवली दो या तीन लेक्चर्स के लिए एबसेंट हो तो आपको ये खुद को रिकवर करना पड़ेगा पांच लेक्चर से अगर आप ज्यादा अपसेंट हो उसके लिए प्रायर परमिशन देना पड़ेगा आपको ठीक है बोल के जाना पड़ेगा कि सर मैं अपसेंट हूं अपलीकेशन देना पड़ेगा वो अपलीकेशन सबमिट होगा इसी के ऊपर आपको लेक्चर का बैकअप मिल सकता है ठीक है पांच लेक्चर से ज्यादा एक दो लेक्चर्स अगर आप अप्सेंट हो तो डिस्कस करके मुझसे पूछ के कहीं ना कहीं कवर कर लो या वर्चुअल लेक्चर्स चलते रहते उसके अंदर बैठ के आप कवर कर सकते हो जैसे बीकॉम के एग्जाम के वक्त आपके सात आठ दिन अगर इकट्ठा चले गए तो यू कैन टेक अ बैकअप ऑफ द सेम वो फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल रहेगी और मैं ट्राई करूंगा कि स्पेसिफिक बीकॉम के एग्जाम के वक्त एक स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ाया जाए तो अगर आपका मिस होता है तो एक चैप्टर पूरा स्किप होगा वो पूरा चैप्टर आपको देखना है ठीक है ये बैकअप इसलिए रखा है क्योंकि कोई लॉस ना हो समझ में आ रहा है एवरीडे अब ये सीवियर वाला सिचुएशन है डे दो से लेकर चार क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा ये मैं पहले ही दिन बोल रहा हूं और उससे भी पहले यह बोल रहा हूं हाथ जोड़ के अगर आपको मेहनत करने की इच्छा नहीं है मेरी या भी स्मार्ट में किसी की भी क्लास मत लगाना एवरीडे होमवर्क देता हूं एवरीडे क्लास में वो चेक होता है जो होमवर्क नहीं करते हैं वो क्लास के बाहर जाते हैं ये मेरा वादा है और मैं वादा निभाऊंगा आपको झक मार के होमवर्क कंप्लीट करके आना पड़ेगा अगर आप होमवर्क नहीं करोगे आप क्लास के बाहर जाओगे वो कंटेंट आपका मिस हो जाएगा ठीक है आपका और मेरा मतलब मकसद है मेहनत करना क्लियर है अकाउंट्स और कॉस्टिंग का इतना टेंशन नहीं है बिकॉज तुम क्लास तो में सॉल्व करते हो वही तुमको, तुमको तुम एग्जाम में सॉल्व करना है थेरी पेपर का बहुत टेंशन है पहले कंसेप्ट पढ़ाओ फिर थेरी पढ़ो फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं तो इस हिसाब से हमको कवर करना है तो टेंटेटिवली हमको तीन सौ साढ़े तीन सौ क्वेश्चन क्लास के साथ खत्म होने चाहिए एटी डेज की क्लास है ठीक है दो से चार सवाल अगर हम एवरेज पकड़े तीन तो भी ढाई सौ सवाल हमारे क्लास के साथ खत्म होने चाहिए लिख के जिसके लिए कैसे लिखना है क्या लिखना है आई विल गाइड यू टोटली जिसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और पांच से सात में बैठ के यहां लिख लेना अगर आपको होमवर्क के बारे में नहीं पता दर्शन सर कितना देते हैं तो जिसने भी रेफरेंस दिया होगा उसको सिर्फ फोन करना और पूछना दर्शन सर होमवर्क कैसे चेक करते हैं और सर कितने सीरियस है होमवर्क के लिए तुम मुझे होमवर्क दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा खेरे? नहीं ये सीरियस ये फर्स्ट डे ही बोल रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए सर मैंने एडमिशन ले ली तुमने बोला ठीक है तो ये चीज को याद रखना मेहनत करनी है मैं रस्ता हूं मैं टॉर्च हूं मैं दरवाजा हूं मैं गाइड हूं चलना आपको पड़ेगा टॉर्च आपको हैंडल करना पड़ेगा गाइड आपको पढ़नी पड़ेगी मैं जंगल में कौन से जगह पे कौन सा प्राणी है कहां सांप है कहां बिच्छू है कहां शेर है मैं बताऊंगा जाके उसके मुंह में घुसना है या उसके पीठ पे बैठना है तुम डिसाइड करना है उसे प्यार करना है आज जा मेरे साथ ठीक है दर इज योर चॉइस बट ऐसा अगर कोई टीचर बोले कि मेरी क्लास लगा लो मैं पास करवा दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है ठीक है इन सिंपल वर्ड्स पास तुम होते हो, क्रेडिट तुम्हारा होता है मेहनत तुम्हारी होती है रास्ता हमारा होता है। और हम कई बार इस रास्ते से गुजर चुके हैं, इसलिए हम गारंटी लास्ट टाइम इंटर के क्लास के अंदर 82 तक स्कोर आए है एटी लॉ में मतलब मार्क नहीं कटे लॉ में नहीं तो शगुन के पच्चीस कट जाते हैं समझ में आ रहा है पच्चीस सवाल सॉल्व करते हो चार मार्क के तो सौ हो जाएंगे ना तो एक मार्क तो थेरी पेपर में वैसे ही काटते पर सवाल वो भी नहीं काटे है समझ में आ रहा है तो तुम्हारे लिए टारगेट है एट्टी टू एंड अब तोड़ना रैंकर से हाथ रेस किए थे सबको या जो भी तोड़ना चाहता है सबको जिसने एट्टी टू का टारगेट तोड़ा है वो रैंकर ही नहीं है बाकी सब में एवरेज मार्क है ठीक है तो मैं चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कम है पर वो इसी क्लास में से लगे ठीक है ये हमारा पढ़ने का तरीका है ठीक है मेहनत करनी है स्टडी सेशन अटेंड करने हैं और प्रॉपरली पढ़ना है इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं आज तो राइट प्रोफाइल है, ये मेरा लेफ्ट है। <laughs> ऐसे में सीधे दिखता हूं ठीक है सो टमोरो मिलेंगे दो बज के चालीस मिनट अपना टाइम तू नंगा ही तो आया पूरा लॉ लेके जाएगा ठीक है थैंक यू बोलो जोर से बोलो किसी को भी कोई कुशंका लघुशंका दीर्घ शंका है तो क्लास के बाद मिलने आ जाना ठीक है गो फॉर इट फास्ट गुड डे गॉड ब्लेस यू डा